देखिए सबसे पहले कल मैंने एक पोस्ट लिखी थी तो मैं उससे फिक्र करूंगा कि यहाँ आते ही सरस्वती माँ की पूजा करना। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप मैं वंदना की रामायण लिखने के पहले सरस्वती, तो बोले कि विद्या है, काव्य है, कविता है, इन सबकी जो देवी है वो सरस्वती। और इतनी सरल स्वभाव है, ब्रह्म लोक में विराजमान है, लेकिन जो भी सच्चे मन से याद करता है दौड़ के आती है। डिस्टेंस ज्यादा है ब्रह्म लोक का यहां से पृथ्वी लोक से, हफ्ते भी आती है एकदम छह पाप से आती है। तो ऐसी देवी को बुलाना ही चाहिए जो विद्या, उनका डिपार्टमेंट है विद्या का। कितने स्टूडेंट बैठे हैं, फैकल्टी मेंबर सब चाहते हैं आगे बढ़े, कॉलेज का नाम हो, हमारा नाम हो, अच्छी अच्छी विद्याएं उनको आए। तो सरस्वती वंदना बहुत जरूरी है। फिर कहा आपने सरस्वती वंदना की और उनके आते ही राम के गुणगान चालू कर दिए। तुलसीदास जी जैसा भगवान कवि जिसमें पांच कवियों में से एक, उन्होंने कहा आप किसी गेस्ट को बुलाते हो, किसी काम के लिए बुलाते हो, चेन्नई से आ रहा है, बेंगलोर से आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो आते क्या करते हो, जिस काम से बुलाया है वो काम देते हो या स्नान के लिए बोले साहब आप स्नान कर लीजिए, कितने घंटों से आप चल के इतने दिन से आपने जर्नी की है आप स्नान करिए, आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं, म्यूजिक सुनवाते करते थोड़ा वही फ्रेश करिए, उसके बाद फिर डांस के उस पर लगिए। तो ऐसे ही मैंने जब सरस्वती जी को मैंने आह्वान किया, बुलाया, उनका स्नान मैंने करवाया राम भजन से, उस सरोवर में डुबकी लगवाई सरस्वती जी की राम भजन में, जिससे कि वो डुबकी लगाए और तरोताजा हो जाए। और फिर मैंने कहा जब वो बिल्कुल तरोताजा हो गई, मैंने कहा सरस्वती माँ अब मेरी देवनी में विराजमान हो जाओ और मेरे से लिखवाओ। तो आप जो ये पूजा करते हो सरस्वती की बहुत जरूरी है। बहुत कॉलेज में क्या बड़े बड़े फंक्शन या बड़े बड़े मिनिस्टर आते हैं, जलाते जल्दी पार्टी में। मैं अभी तारीफ कर रहा था कि यही ने पता है कि क्या टेक्निक है, किस तरह कपूर लगाना है, जो भी कुछ लगाया है, किस तरह उसको बत्ती को भीगा के कि एकदम एक ही झटके में वो ड्रॉप। बहुत बड़ी ये चीज है सरस्वती माँ की वंदना, बहुत जरूरी है। अब सवाल आया कि इतना बड़ा काम JIT के अलावा कौन कर सकता है। फैकल्टी डेवलपमेंट का बड़ा प्रोग्राम जिसको फेसबुक पर मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ, बड़े बड़े वाइस चांसलर, बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं। ये हिम्मत सिर्फ हमारे रवि गोयल जी की है जो खींच खींच के इतनी हिस्ट्री हमको यहाँ लेकर के आ रहे हैं। जब किसी ने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट के लिए यूथ, आप इतने बड़े आदमी, इतने पैसे वाले, इतने आपने विश्व में नाम कमाया, क्या चीजें बच्चों में देखे हैं या क्या चीजें फैकल्टी में देखे हैं एम्प्लॉय करने के पहले, तो उन्होंने कहा तीन चीज ध्यान रखना, पहला इंटीग्रिटी, सेकंड इंटेलिजेंट हो और थर्ड एनर्जी हो। और एनर्जी भी कौन सी, पॉजिटिव एनर्जी, वो नेगेटिव नहीं हो। और हमारे भटेल जैसा विश्व का जाना माना व्यक्ति कहता है, अगर पहली चीज नहीं हुई यानी अगर इंटीग्रिटी नहीं हुई तो दोनों चीजों से, इंटेलिजेंस और एनर्जी से आपको किल कर देंगे। इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है। पार्टी में 16 तारीख को दो सेशन मेरे रखे हैं, किसी का खुद बैठेंगे कि लास्ट में लिया था उनके बहुत बुकिंग है, भागवती ग्रंथ साथ रहेंगे, उसके बाद हाफ सेशन आपके साथ है, लेकिन अभी मैं बैठ नहीं पाऊंगा। मैंने कहा सर नॉट रिक्वायर्ड, यू आर बिजी, यू आर सो बिजी, आई नो, मैं कुछ चेयरमैन ना हूँ, 242 चेयरमैन मुझे पता कितने काम होते थे, यू आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड इंट्रोड्यूस करने की भी मुझे जरूरत थी, अपने आप कर दिया, आई नो हाउ टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, बोले नहीं इंट्रोड्यूस करके आ जाऊंगा। 3 घंटे बैठे थे किसी साहब और उन्होंने कहा एमओयू करते हैं, और अभी 16 तारीख को 2 सेशन रखे, 1 फॉर देयर सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, अनदर 1 ओनली फॉर स्टूडेंट्स। और उसमें उन्होंने एकेडमिक इंटीग्रिटी के ऊपर ही उन्होंने सब्जेक्ट दिया है। इंटीग्रिटी लाइफ में बहुत जरूरी है। आज जो एजुकेशन की हालत अंग्रेजों ने यहाँ करके नॉर्थ वेकोडे ने कर दी, जिस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम को टेस्ट मैच कर दिया, अगर हमने इंटीग्रिटी की चीजें अगर नहीं हमारे बच्चों में पैदा की, फैकल्टी में पैदा की, तो आप समझिए। कई जगह मैं जाता हूँ, IIM के डायरेक्टर बोलते हैं मेरे साथ, IIT वाले बोलते हैं मैंने तो सिंपली बीटेक किया हुआ है, या फिर मैं 200 कंपनी का चेयरमैन था, लेकिन जो मैं बोलता हूँ कोशिश यही करता हूँ कि हर चीज प्रैक्टिकल बताऊ, क्योंकि PPT बेस्ड कन्वेंशनल टाइप के तो बहुत लेक्चर हो रहे हैं,
लेकिन रियल लाइफ में जो चीजें आपको फेस करनी है और जो काम है डिपेंड है, हर कई यूनिवर्सिटीज में बच्चे खड़े हो जाते हैं हमें ज्यादा पैकेज कैसे मिले, कैसे हमें कठिनाई ज्यादा मिले, और बहुत अनलिमिटेड उनकी डिजायर है कि बहुत कुछ मिले फैकल्टी मेंबर सभी की है। और ये लेक्चर अगर गौर से देखें तो उसी के लिए व्यूज है, वो उसी के लिए गाइडलाइन है। नॉट ओनली पैसा, पैसा मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देर इज समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। मैं नहीं कह रहा मनी ही चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर कुछ चीज है और वो चीज कैसे अचीव की जा सकती है, कैसे आप, आपका परिवार, आपकी इंस्टीट्यूशन, आपका समाज और विश्व कैसे सुखी रहे, वो चीजें मैं आपको व्यापार नुकसान ने मुझे मौका दिया जब तक लिखोगे भी की आपके लिए छपेंगे। एक मीटिंग में मुझे उन्होंने कहा कि जितने लिखोगे आज मतलब कल अभी संडे को 122वां वीकली लेख छपा, उसमें मैंने डाला हुआ है पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। वही टॉपिक आज मैंने आपके लिए दिया, मैं कोशिश करूंगा, जो भी मुझे टाइप दिया है गागर में सागर वाली बात है, पर कोशिश करूंगा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे बच्चे, इतनी अच्छी फैकल्टी यहाँ बैठी हुई है, तो मैं जो भी कुछ मैंने सीखा है वो आपसे शेयर करके जाऊं और उसका फायदा आपको मिले। एक गुरु जी थे, एक पैसा भाई कहते हैं, एक जाने माने गुरु जी थे और गुरुकुल चला रहे थे, पुरानी बात है, कॉपियां चेक कर रही थी रात के बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे जैसे नामी गुरु के अंदर में ये शिष्य कहां से आ गया, मैंने भी एंट्रेंस में इतने बच्चे इसका ध्यान नहीं दिया, ये तो बहुत ही दिनों बाद पहले इसको कैसे मैंने ले लिया, मेरा रिजल्ट खराब हो जाए। गए रिजल्ट अनाउंस किया, बच्चे ज्यादा थे भाई, जल्दी पहचानते थे, बोले इस ये जो कॉपी है कुछ बच्चे की है, इस पर इनाम लिखा है, बच्चा खराब नहीं हुआ, बहुत बड़ी गलती हो गई, तुझे एडमिशन दिया तूने, मेरा रिजल्ट रिकॉर्ड दिया, मेरे जैसे गुरु से भी हो सकता है जल्दी मेरे पास आओ, बच्चा पीछे बैठा हाथ दिखा, अरे तेरे रेखा ही नहीं, गलती मेरी है, मैंने देखा ही नहीं, एजुकेशन की रेखा नहीं है, बोला साहब क्या गाइडेंस है, क्या करूं, पढ़ नहीं पाएगा, विद्या नहीं है तेरे हाथ में, जा गाइडेंस शरा और पैसे कहा, आपने कहा नहीं है, मैं तो बच्चा हूँ आपका शिष्य हूँ, मेरा पैसे होती है तो बता दो, टॉपर का नाम दिया, बोले तू आ गई, बोले ऐसी होती है, बच्चे ने कहा ठीक है एग्जाम में तो अलाउ करूंगा ना दोबारा से, एग्जाम में तो नहीं होगा तो करूंगा, अगले साल फिर एग्जाम होंगे, गाय भैंसों को चराता रहे वही पढ़ देगा जो कर दी, मेरा रिजल्ट तो बिगाड़ दिया तुमने, बच्चा गया, बच्चे ने जो है एक चाकू लिया, वही ये मैं इस चीज को इस तरह से फॉलो मत करना जो मैं कह रहा हूँ, चाकू लेके हाथ काट लिया, डेली उसमें नमक और मिर्च डालता था, सच्चा किस्सा है, दर्द होता था और उस टाइम वो उसे याद दिलाता था कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है या मेरे गुरु नाराज है, और वो करता चोटी घर पे जाकर के दिन भर फिजिकल वर्क गाय भैंस चराने का करता था, घर पे जाके उस चोटी को बांध देता था ऊपर कि जैसे नींद आई हुई होगा चोटी खींचेगी तो फिर नींद खुलेगी, तुम पड़ेगा दो काम किए, दो काम करने के बाद फिर साल का एंड आया, एग्जाम हो गया, रिजल्ट गुरु ने पाई, ऐसा कौन सा शिष्य है जो मेरे से ज्यादा जानता है, मेरे गुरुकुल में पहले ऐसा आ गया जिसको कुछ नहीं आता था, इस बार मेरे से ज्यादा पढ़ाने वाला मैं हूं, और ये तो मेरा मेरे से भी आदमी था, बहुत बच्चे थे, नाम भी आदमी था, फिर बोले भाई ये कौन, वही बच्चा है, अरे तू तो तेरे तो हाथ में रेखा नहीं थी, बोले दोबारा देखी, वो रेखा बार बार चप्पू से काट जाना बन चुकी थी, बोले हाँ अब तो तेरी रेखा बन गई है, तो बोले साहब उस दिन से मैंने ये किया छोटी बांध के, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं हर कुछ संभव है लाइफ में, बहुत कुछ आप कर पाओगे प्रोवाइडेड दैट आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, फर्म डिटर्मिनेशन रखो, तो आप वंडर्स दुनिया में करोगे। जब अब्दुल कलाम जी जैसा व्यक्ति रोड लैंप के नीचे पढ़ के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है, जब मिसेज गांधी ने उस जमाने में कहा उनके बॉस को, इतने फेमस ये नहीं थे कि आई वांट कलाम इन माय मीटिंग, उन्होंने फोन किया कलाम साहब आप साउथ में हो,
वहाँ बाहर मीटिंग में गए, जल्दी से अप्लाई करिए, दिल्ली आइए, बोले तुम सर बोले वो इंटर जाती जाती है, पीएम ने एक मीटिंग बुलाई आपको साथ में जूनियर आदमी, मुझे क्यों ले चल रहे, बोले नहीं यू आर रिक्वायर्ड बाई मेल, उनका इन्विटेशन है, बोले कपड़े ही नहीं है इस लाइफ की, पीएम के सामने बैठ गए मत बुलाइए, बोले कपड़ों की वहां कभी नहीं है, कपड़े देखते नहीं बुलाए, आ जाओ आप चुपचाप जो भी पहनते हो पहन के आ जाइए। और उस मीटिंग में मिसेज गांधी ने पूछा, मैंने उस कलाम और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, पर्सनली बात की, हमने बुलाते एक बार जोरदार ताली कलाम साहब, और लाइफ में बहुत कुछ चल पाओगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ही भावना मत रखो, भगवान पे भरोसा करो, स्वयं पे भरोसा करो, दूसरे की जय के पहले कुछ की जय आपको होनी चाहिए, जब ये सब चीजें आप में होंगी तो इसको कहीं क्लिक करो, आवाज चेक करेगी आपने आवाज भाग्य से देना या मत देना, लेकिन कर्म का फल तो देना, जो सत्कर्म करूं अच्छे काम करूं वो तो दे देना मुझे, ये इतनी मेरी प्रार्थना है। और एक नियम है बच्चों, आप में से अगर किसी ने लॉकर को ऑपरेट किया हो तो लॉकर में दो चाबी होती है, एक बैंक मैनेजर की एक स्वयं की चाबी लगा के घुमाते रहो, बैंक मैनेजर की चाबी लगते ही लॉकर खुल जाएगा, भगवान की चाबी रखते ही किस्मत खुल जाएगी। और बैंक मैनेजर की ऐसी हस्ती नहीं कि वो चाबी नहीं लगाए, अगर आपने बैंक के पूरे नियम फॉलो कर रखे हैं तो भगवान पर विश्वास के कारण जो भी मैं बन सका लाइफ में आगे कर रहा हूँ, कि विश्वास पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके चरणों पे हाथ रख के मानसिक रूप से इस बात को बोल रहा हूँ कि भगवान की भी हस्ती नहीं है कि वो आपके को बना दे, पल आपको मिलेगा। बहुत सारी चीजें होती है, कभी जिन बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट के साथ बताएंगे तो मैं बताऊंगा, प्रारंभ भी कोई चीज है, इसलिए अच्छा करते करते प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर अच्छे कर्म करोगे तो ये बिल्कुल बैंक खाते की तरह क्रेडिट डेबिट होता जाएगा और आपको उसका फल मिलेगा। मैंने जयपुर की बहुत एक बड़ी बिजनेस फैमिली का समझ, 20 कार क्या खड़ी रहती थी, पड़ोस वाले कहते हैं कार गैरेज खोल रखा है, इतनी इम्पोर्टेंट गाड़ियां इस मकान में है, और मैं स्कूटर पे मेरी बाइक को लेकर जाता हूँ, फादर इन लॉ एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, अपनी घर तो गई लेकिन बहुत ईमानदार बहुत अच्छे, उनके लड़कों ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस चालू कर दिए, उनके आशीर्वाद से चले। वाइफ से मैंने कहा कभी इनको हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना, इनसे कभी मांगना नहीं, वाइफ कहती आपका हेल्प करोगे मैंने कहा बहुत कुछ कर लूंगी, मांग मत लेना गलती से। आज जब मेरा समीर लॉ आया और मैंने कहा बेटे यू आर सच ए गुड बॉय, आई यूज टू गिव यू समथिंग, बोलो कोई इच्छा है क्या बंदे, और पास पैसे नहीं थे, मैंने कहा मांग लिया तो बेबी नहीं कहूंगा, ईमानदारी में लाइफ निकाली है, उसने कहा इच्छा है, पैरों से जमीन किसकी, मैंने कहा लो
वही मना करनी थी, मत मांगना, मत पूछना। पूछ लिया इस बच्चे ने, आधुनिक बच्चे मांग लिया। मैंने कहा बेटी कैसी, मैंने कहा लगाएंगे जोर, भगवान पर भरोसा है, कर्मों पर भरोसा है, करेंगे कुछ ना कुछ। कहता आपका हाथ सर पर रखी। मैं घर पे गया, वही इतने कहा, बार बार कह रहे थे वो आते हैं यहाँ पर, मारुति में बहुत बड़े ऑफिसर है आज की डेट में, शादी 2007 में मिले, आप बार बार कह रहे थे उनसे पूछूंगा, पूछते होगा, पूछ लिया। मांगा क्या, मैंने कहा मांग लिया, आप जिद्दी हो, आप मांगते नहीं हो, मांग लिया मना करने के बाद भी। मैंने कहा मत पूछना, आप कैसे दोगे, मैंने कहा जो मांगा है वो दे दूंगा, हाथ पे चल रहे हैं ना, मेहनत करके देंगे। बोले क्या मांगा, मैंने कहा कह रहे हैं आशीर्वाद देते रहने। कहीं आप ससुर हो, कहीं दामाद हो, कहीं बाप हो, कहीं बेटे हो, जैसा 20 बैठा वही आपको मिल गया। मैं इतनी हैप्पी हूं इस बात को सुनकर, भगवान में भरोसा हो गया कि वाकई भगवान है। वही आ गया ना बच्चा सामने, और वही मान लिया तो आप आगे होते हो। मेरे तो फादर दे सकते थे, फिर भी नहीं लिया आपने। कितनी बड़ी है, भगवान में भरोसा रखो, स्वयं पे अपने हाथ पैरों में भरोसा रखो, अपनी इंटीग्रिटी लेकर बहुत हाई करो, और अपना जैसे इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंट एंड एनर्जी, इंटीग्रिटी कैसे बढ़ेगी, अच्छे अच्छे किस्से सुनोगे तो इंटीग्रिटी अपने आप बढ़ेगी। पहले दादा दादी नाना नानी किस्से सुनाते थे, अब फ्रेंड फैमिली सब अलग अलग हो गए, घरों में कई दिक्कत ऐसी आती है कि घर वाले पसंद नहीं करते कि बूढ़े माँ बाप साथ हैं। कई जगह ऐसा हो रहा है, ज्यादातर समाज में हो रहा है, तो वहां जो भी इंटीग्रिटी, जो भी मॉरल की चीजें सुनाते थे पहले, फेल टूट गई चीजें सीख जाते थे, वो सब खत्म हो चुकी। इंटेलिजेंट बनने के लिए भी यही है कि आईक्यू बढ़ाया जाए, आईक्यू भी कैसे बढ़े, वहां दिन रात जो एक सेशन चलता रहता था, वो सेशन ही घर में जो ऑटोमेटिक होता था, सिस्टम में ही बिल्ट इन था, वो भी नहीं होना। और एनर्जी अलग अलग रहते हैं, भाई भाई का सगा लिया तो नेगेटिविटी में आ गए, और नेगेटिविटी की आदत हो गई, ये आदमी डिप्रेशन में चला। अभी नफा नुकसान में नहीं था कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इतना अच्छा था, एक दादी बीमार पड़ी हुई थी और उसको डॉक्टर ने कहा बच्चे से कहा तो इतने बड़े बिजनेस मैन हो, ये तो अंतिम समय आ गया, हमने तो इनको खुद दवा दी थी, ठीक नहीं, अकेली रहती लगता है नर्स को, उन्होंने नर्स रहती, नर्स दिन रात उसकी सेवा, नर्स को कहते किसी दिन खत्म हो सकती है। जो पोते पोती बाहर पड़ रहे थे वो आए, और पोते पोती हॉस्टल से आए, आकर के उन्होंने देखा और बोले दादी माँ से चिपट गए। बोले दादी माँ हॉस्टल का खाना बहुत बेकार है, मैं आपके हाथ की वो रस्ते पर वो खुशबू याद आ रही थी, आप इतना अच्छा बनाती। नर्स बोली आपको दो तीन बार से सुन रही हूँ, ये इतनी सीरियस है, आपको खाली याद आ रही है, आपकी दादी ठीक नहीं, मम्मी पापा जॉब में गए हुए, आप चुपचाप रही है, कुछ नहीं बनाएंगे। दादी ने कहा तुझे अधिकार किसने दिया कि तू मेरे नाती पोता इस तरह से डांटे है, उठा मुझे। उठी किचन में गई, खाना बनाना चालू किया, कुछ दिन में जब तक वो बच्चे ने ठीक होके बनाया, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहे। अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहेगा, अगर हम एक दूसरे की परेशानी आपस में समझेंगे, आपस में दूर करेंगे, तो जो स्वर्ग और नर्क में फर्क है कि दो दो मीटर की चम्मच दे दी और बोले बिगड़ मोड़े हुए खाना खाइए, नर्क में जो है वो उसको मोड़ने की कोशिश की सब नीचे गिर रहा था, स्वर्ग में आमने सामने खड़े हो गए और चम्मच से एक दूसरे की मुंह में डालने लगे। अगर हम परिवारों में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हमारी लाइफ स्वर्ग जैसी सिस्टमेटिक हो जाएगी। स्वर्ग नर्क सब इसी दुनिया में यहीं पर निकलता है। भगवान को जरूर याद रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि अगर भगवान नहीं तो चित्र क्यों, अगर भगवान नहीं तो चित्र क्यों, अगर है तो फिक्र, हम चित्र भी कर रहे हैं और फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने लाइफ में कई मुकाम पे देखा है, एक दो बार जब बहुत संकट आ रहा है, लाइफ में कहा आप सो रहे, इसकी परेशान चल रही है, आप आराम से सो रहे, मैंने कहा सो रहे क्या होगा, मैंने कहा समय के हिसाब से सुबह ठीक हो जाए। मैंने जोर लगा लिया उनके चरणों में समर्पित करके इस प्रॉब्लम को, मैं हटाऊ सुबह उठे वाकई होंगे सब चीजें, मैंने कहा सुबह ये होगा। बोले आप भगवान हो, आप इतनी बड़ी बात करें, मैंने कहा होगा और होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में बहुत बड़ी चीज है। मैं आपके बीच में जो बात करता हूँ, जो अभी आरटीयू में मुझे कर लिया, आज पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओवर एंड अबव बायस मार्केट सिनेरियो, मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस बहुत जरूरी। एक दार्शनिक फिलोसफर से किसी ने कहा कि आप अपने विचार दीजिए दुनिया के बारे में, उन्होंने कहा अगर ह्यूमन बीइंग की लाइफ 5 लाख साल कर दी जाए और लास्ट में पूछा जाए कैसा लगा, या विश्व में लोग में तुम रहे कैसा लगा, मुझे समय की भरी कमी है। 5 लाख साल
अब हार्ट भी कोई 50 साल में जा रहा है, कोई 5 दिन में जा रहा है, कोई 10 दिन में, कोई इस दिन भी है, एवरेज भी निकाले 60-70 भी है, तो 5 लाख और 5-60 आगे बढ़ना है। तो नफा नुकसान में जो मैं लिख रहा हूँ, अगर जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं उन लोगों को विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति जो 39 ईयर्स की एज में इतना बड़ा काम कर गए, फॉरेन जैसे इंडिया की हालत खराब थी, जगह जगह प्रॉब्लम हो रही थी, उस जमाने में विश्व में अपना खुद का झंडा और देश का झंडा ऊंचा उस व्यक्ति ने किया, क्या उसकी बातों को सोचना समझना पढ़ना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। अभी कई लेख मैंने नफा नुकसान में लिखे हैं। एक बार उनका फॉरेन वाला मित्र कहने लगा, फॉरेनर था, यू आर सच ए बिग पर्सन, आई लाइक टू मीट विद योर गुरु, मेरे कुटुंब की मीटिंग है, माय गुरु इज इन इंडिया, ओके आई कम देयर, आया टेक मी टू योर गुरु, रामकृष्ण देव के पास गए, ही में बैठा दिया चुपचाप, आधे घंटे बैठा, इशारा किया भारत कम आउट, विवेकानंद कम आउट, वाले ठीक है नॉट योर गुरु, वाई इज ए डिफरेंट टाइप पर्सन, टिपिकल पर्सन, ही डजंट हैव ड्रेसिंग सेंस, कपड़े पहनने नहीं आते, लुक कैसे होगा? बोले यही फर्क है डियर फ्रेंड तुम्हारे, यहाँ टेलर्स पर्सनैलिटी बनाते हैं, अच्छे सूट टाइट जैकेट पहना दो, अच्छे अच्छे कपड़े पैंट शर्ट स्किन फिट बना दो, हमारे यहाँ ऐसे गुरु होते हैं जो आचार विचार के गुरु हैं। एक बार जोरदार ताली दीजिएगा भाई, बहुत नाम सुना था रामकृष्ण परमहंस जी का, कहते हैं इतना लेट आया मिलने, उन्होंने कहा इतना आया पहली बार तो मिलना हूँ, कह रहा है लेट आया, एक बाहर आ गए बोले पागल से नहीं मिलना, उन्होंने तारीफ बहुत की, राम बोले ना कोई पागल, बाहर जाके इतना कोई खिंचाव लगा कि वो दोबारा गए, दोबारा गए विवेकानंद जी के गुरु ने यहाँ हाथ रखा, ब्रह्मांड दिख गया विवेकानंद जी को, तेरे जुम्मे भी बड़े काम है जो तुझे करने हैं। तब विवेकानंद जी के चक्षु घूमे कि ये जन जन्मांतर से मुझे जानते हैं और मैं उनका समझदार था, उन्होंने लिखा अगर लाइफ में कुछ अच्छा काम किया है तो वो मेरे गुरु की वजह से हुआ है, और कोई भी बुरा काम मेरे द्वारा हुआ है तो उसके लिए विवेकानंद रेस्पॉन्सिबिल है, मेरा गुरु रेस्पॉन्सिबिल नहीं है। ये भावना गुरुओं के लिए माइंड में रखिए और अपने आप पर भरोसा करके जोर लगाइए, गुरुओं को इज्जत देते हुए आज के इस समय। अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही, मेरी भारद्वाज फाउंडेशन से बच्चे जुड़े हैं, फेसबुक में bhardwajfoundation.com है, जो भारद्वाज फाउंडेशन फेसबुक पे जयपुर के नाम से है, बहुत बच्चे इस कॉलेज के मेरे साथ काम कर चुके हैं, और अभी मैं बेसमेंट में मेरा ऑफिस है एमआई रोड के पास में वर्क कर रहा था, घर में ऑफिस बना रखता है, एक बच्चा जो रेगुलर हेल्प करने आता था वो प्रेजेंटेशन बना रहे थे, मैंने कहा कि यार कोई स्टूडेंट बुटेड बच्चा है ये कर रहा है, स्मार्ट से सर जब ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो यही तो दूर करता है, ये मेरे ऑफिस में पूरी गए मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे है, मैं हैप्पी टू मीट यू, प्लीज सिट एंड हैव अ कप ऑफ टी, जब तक हम लोग बना रहे थे बैठ रहे, टिपिकल चीज आई तब तुमसे हेल्प लेंगे, बेटर जब मैंने लिखा पॉजिटिव एटीट्यूड, ये वो प्रार्थना चला चला के मैसेज दे के, ये मुझे कई प्रेजेंटेशन बीच में 5-7 होते रहते हैं, तो मैंने कहा ये सब कर रहे हैं अलग अलग, पहले कोशिश करता हूँ अलग अलग किससे ले जाऊँ चीजें ले जाऊँ, तो मैंने देखा ये रो रहा है, मैंने रो क्यों रहा है, वो बच्चा जो सुबह कोविड आया था कहता सर मुझे ऐसा लग रहा है प्रेजेंटेशन मेरी भी कर रहा है, मैंने कहा क्या हुआ, बोले मेरी शादी भी हुई सब कुछ हो गया और मैं इतना परेशान हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ हूँ, 18 रुपये मैंने मुझे मिल रहे हैं, 18,000 रुपये मेरे जो है फादर को 8,000 रुपये मिलते हैं, फैमिली में 5-6 मेंबर है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पॉजिटिव एटीट्यूड और ये सब, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान था, आत्महत्या की सोची थी, शायद भगवान इसलिए मुझे यहाँ ले आया कि आप जैसे पॉजिटिव व्यक्ति से आपकी चीजें सुनूंगा तो मेरी लाइफ बदल जाए, मैंने उस बच्चे को कुछ दिन मेरे साथ काम कराया, आज 4 ऑफर उसके हाथ में कपड़ा भी दिया सेलेक्ट कर, इसमें मेरा ये प्रॉमिस था तुझे कई सारी बम्स के ऑफर दूंगा, आत्महत्या कर मत लेना, पैरों का घाव है, बहुत कुछ तू कर जाएगा, और प्रॉब्लम भी जो अभी नहीं है वो भी आएगी, बेटे बहुत सारी प्रॉब्लम लाइफ में क्या क्या नहीं, एक छोटी सी बच्ची हुई, फादर से मैंने बात की, आदि हैप्पी है तो लक्ष्मी का रूप है बच्ची, बोले नहीं सर मेरी प्रॉब्लम, मैंने क्या हो गया, एक किडनी का है, डॉक्टर कह रहे हैं एक ही किडनी के साथ पैदा हुई, तरह तरह की प्रॉब्लम लाइफ में चल रही है, मैंने कहा वो तो आएंगी, काम कर पाओगे और भगवान के ऊपर भरोसा करना, स्वयं पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, पर्सनल एक्सीलेंस
एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस जो चीजों को जल्दी जल्दी की टाइम की लिमिटेशन है आपके दूसरे स्पीकर के बाद ही सेशन में आप आ चुके हैं तो मैं जल्दी इसे कवर करूंगा लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है कि मैं आया हूँ तो जितना बताना चाहता हूँ उसको थोड़ा सा कम करके लेकिन मैं तो विनेचर रूप में लेकिन बताऊंगा थोड़ा सा कि पहला सुख निरोगी कल ही एक डॉक्टर साहब मेरे साथ थे बड़े साइंटिस्ट है पद्मश्री के लिए नाम दिया हुआ हैवी वाटर प्लांट में कल रात को हम दोनों साथ थे क्या पर्सनैलिटी है अगर ये अलाउ करेंगे तो उनको लेके आऊंगा रवि जी आपसे मिलवाऊंगा एक प्रोग्राम अभी मैंने क्लार्क में किया विदाउट चीन फार विदाउट ब्लड टेस्ट पूरी बॉडी का टेस्ट 3 मिनट में खाली जो मशीन है उसका नॉब ऐसे पकड़ के बैठ गई है 3 मिनट में 3 लाख रुपए की टेस्ट हो जाएंगे मतलब वो पैसा भी नहीं लेगा इतना क्लोज मेरे साथ काम कर रहा है सब बता देगा आपकी बॉडी में ये रहा है ना चीन फार कटेगा ना इंजेक्शन और इलाज कैसे मैं गया मुझे चीपियन साहब ने कहा साहब ऑफिशियल क्योंकि आ रही क्योंकि मैं आप आए हैं मेरे लेक्चर में यहाँ 4 गाड़ी मैंने लगा रखी है आपके साथ लेकिन मोहाली वहाँ तो आज कल CDC में रिपोर्ट करते हैं तो आपको मैं अपनी गाड़ी देके भेज रहा हूँ ड्राइवर के साथ वो दस का पहाड़ी है शेर वगैरह आ जाते जल्दी आ जाना मेरा अपना काम करके बोलना ठीक है एम्बुलेंस के बाद हॉबी वर्क इज इम्पोर्टेंट मुझे इस डॉक्टर से मिलना था वहाँ इतनी भीड़ मैंने देखी इनके यहाँ मैंने कहा अभी नया धंधा क्या चालू कर दिया बोले मैं ड्रगलेस थेरेपी पे रिसर्च करके काम कर रहा हूँ बुक आ रही है पद्मश्री की नाम चला गया वो डॉक्टर उसने कहा साहब आपका 3 मिनट मैंने कहा वो शेर दे रहा है ड्राइवर कर रहा है मैं चल रहा हूँ मेरे साथ कुछ ऐसी एक्सीडेंट वगैरह भी बैठी थी कार में तो उन्होंने कहा साहब देखिए आपका टेस्ट 3 मिनट में कलेक्ट करवा लूँ इतना ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है आप करवाओ करवाया तो उसने कहा यू आर जस्ट लाइक 16 ईयर्स बॉय बट मैंने कहा आपको भैया पैराशूट ऊपर से गिरा हुआ समझ गया मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जानकार थे पुराने होकर नई विद्या से अब मुझे लपेटोगे कहीं ना कहीं आपके कैचमेंट एरिया में आ चुका हूँ मैंने कहा आप क्या होगा बोले किडनी फेल हो मैंने कहा मार दिया बियर पैराशूट करते किडनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोले इलाज तो सुनो 16 ग्लास पानी दिन भर में पियो किडनी फर्स्ट क्लास हो जाएगी 3 महीने बाद आए पानी ज्यादा पीना चालू किया बोले अब आपका विजन परफेक्ट हो गया इस तरह के इलाज हो रहा है तो लाइफ में कीप इट कल ही रात को मैंने उनका एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा जवाहर पिला के जो है बैठे थे बहुत सिंपल आदमी मुझे 5 स्टार में नहीं आते मैं चल गया मेरी फैमिली भी थी वहां बता रहे थे कि बड़े बड़े कैंसर के पेशेंट दुनिया उनके पेशेंट उन्होंने ठीक कर दिए बिगर दवाइयों के बहुत नेचुरोपैथ मतलब एक प्राकृतिक ऐसा तरीका बताया जिससे वो लोग काफी ठीक हो गए बहुत सिंपल बताते भाई तू बैगन खा तू ये खा तू वो खा कीप फिट पर कल कह रहे थे कि जब अमेरिका ने एक कॉन्फ्रेंस किया और उसने कहा कि इंडिया में 100 साल से ऊपर जो हस्बैंड वाइफ जिंदा है आ जाए एक लेडी पटियाला से पहुंच गई नावा एक जगह है पटियाला के पास उसकी उम्र 127 साल वहां पहुंची वो कह रही है भीड़ मुझे घेर के क्यों पत्रकार खड़े हुए इंग्लिश नहीं जानती थी बोले आप 127 साल की हो इतने एज में लोग रहते नहीं है 100 के ऊपर के आए हुए पर तुम तो बहुत ही ज्यादा तो कह लगी अगर ये 100 के ऊपर की बुलाए थे तो मेरे नातियों को भी ले जाती ना तो पत्रकारों ने कहा कि भाई कोई जो हिंदी में बोले वो हमें समझाना हम उसकी जो बुक में लिखेंगे क्या सीक्रेट है इन लोगों का कैसे जिंदा है तो कहती है मैं तो काम करना जानती हूँ और कुछ नहीं आता बोले गुस्सा करती हो नहीं करती सब लोग ठीक है घर में पति या जो भी थे जो भी रिश्तेदार है बोले हर तरह के लोग मिले हैं कैसे लोग मिले हैं उन्होंने गुस्सा किया गाली दी बोले गाली तो दूर की बात है मार भी दिए गाय भैंस चराती दूसरे खेत में घुस गया वो पीट देते आते उनकी लेडीज बार बार पलटी खींच देती है तो जब मार दे मैं कहती हूँ पंडित क्योंकि कुछ नहीं पता मुझे माफ कर दो आपके लिए आऊंगी फिर भी चले जाता है कोई शरारती भी जानवर मेरे साथ घूमते हैं फिर पिट लेती पर मैं जवाब नहीं दे 127 साल का कहीं उसके साथी कोई 17 साल में मर गया कोई 27 साल का कोई 37 में अलग अलग एज में मर गए लाइफ में जरूरी है कि अगर अपन सिंपल रहेंगे अगर अपन आज ही आनंद हो रही है नेगेटिविटी वाले लोग आ जाते हैं सुबह सुबह मैं फोन करता हूँ गुड मॉर्निंग जवाब नहीं आ रहा मैंने हेलो हेलो नहीं पर डिस्कनेक्ट हो गई क्या कह रहा हूँ जी परेशानी से गिरे हुए इसको फोन करा दी सुबह सुबह से क्या दिक्कत हो गई माँ बाप भगवान सीधे आपके ना थोड़ी था इतना अच्छा पढ़ा लिखा दिया आपको ये पढ़ दिया मैंने कहा आपको जो सदमा से गया अब तो उनको कुछ अच्छी बात बोला क्यों गया शादी गलत कह गए भाई बहुत सत्यानाशी है मेरी भाई बिल्कुल बेटा मैंने कहा चलो भाई जी बहुत सारे छात्र हैं आगे बढ़ जा रहा हूँ तो 60 के ऊपर के बच्चे बेकार आ गए मैंने कहा बंद कर रहा हूँ
आगे से मिलाऊंगा नहीं सुबह, बहुत जरूरी बात याद है, तुम बात कर रहे ये आवर से करें कि रोटी पीटने गए सुबह क्या कर रहा है मैंने कहा फालतू की बात है यार क्यों कह रहा है सच्चाई सुनना नहीं चाहते मैंने सच्चाई ये है कि तू अकेला बकवास है बाकी सब अच्छे थे कीप फिट अपने आप को जब उन लोगों से जब उनका एक रीप बनाया कैसे वो सौ साल से ऊपर जिंदा है उन्होंने कहा भगवान पे भरोसा रखिए स्वयं पे भरोसा रखिए नेगेटिविटी बताने दीजिए नेगेटिव लोगों से बात मत करिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अच्छा खाना खाइए साफ खाना खाइए लेस क्वांटिटी मोर एनर्जी वाला खाना खाइए जो कल घंटे वाली डॉक्टर साहब से चर्चा जवान कला केंद्र में हो रही थी पानी ज्यादा पीजिए भगवान के भजन सुनिए अपना रिक्रिएशन करिए फालतू की चीजों में टाइम मत लगाइए एक एक मिनट जब आपको नीचे डाला है तो प्लीज सेट करके डाला है जैसे ही वो टाइम पूरा हुआ अभी हमारे गणेशिया साहब ये मुझे लेके आए थे इनकी परमिशन से बात हो रही थी बहुत तारीफ कर रहे थे पूरे मैनेजमेंट आपके डायरेक्टर साहब सभी की तारीफ करते हुए आए और बच्चों की बहुत तारीफ की एक बार जोरदार ताली हमारे ये बात कर रहे थे फादर के लिए मेरे ग्राउंड में फादर के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने कोशिश की लेकिन जो समय आया इनकी बहन भी डॉक्टर है बहुत कुछ परिवार में है बताते बताते मैं भी मैंने कहा लेक्चर देना मेरा बिल्कुल ऐसा हो गया सुन के मैं मिला नहीं पर बहुत व्यतीत मैं भी हो गया एक सेकंड भी बेटे ज्यादा मिला गया जो टाइम था नहीं मिल पाया तो जब टाइम फिक्स है आपको स्विट्जरलैंड में ले जाके बैठा दिया आप वहां पर बोला आप कितने गया हूँ बहुत कंट्रीज में गया हूँ बढ़िया बढ़िया खुशबू वाले सुनने उनको छोड़ के आप नानी के पास बैठ के आ गए और बोले वीजा खत्म हो गया वापस गए यहाँ के लोग पूछे देखा वहां पर इतना देखा तो लड़ाई लगे पर मेरे ऐसी ही दुनिया यहाँ आए वो अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो अच्छे अच्छे काम करो इतनी हो बटरफ्लाई की तरह करो अलग अलग सुनो का रस लेकर के शहद बनता है ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से सुनो उसको ऐसे निकाल के उसका जूस शहद बनाओ हनी मून शहद के नाम पर बना तो शहद जो है वो आप बना सकते हो अगर लोगों को सुनोगे और फालतू नेगेटिविटी अगर रखी तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे की फिट इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है तो एक लेक्चर है इसका कितना फिट कर देगा क्या करना चाहिए कैसे खाली दिमाग मत रखो की फिट अगर रखना है तो हम लोग दीजिए गुड टाइम मैनेजमेंट अभी इनने कहा है काल करे सो आज करे सो अब कल कर ले होगी भोगी कर ले एक टीचर पहले शायद सुनाया होगा आपके मैंने पेपर में आया हूँ अपने बेडरूम में कॉपी चेक कर रही थी रोने लगी पति ने कहा एक तो फॉल्ट ये कर रही होगी बेडरूम में कॉपी दे मूड ऑफ करी रो रही है बोले आज खाली पीरियड में मैंने बच्चों से कहा कि कोई भी मर्जी है जो ऐसे लिखो एक बच्चे ने लिखा काश में टेलीविजन होता तो बोली तो हंसने की बात है इसमें रोना क्या है बोले आगे सुनो पेशेंस वो लिखना में टेलीविजन होता फादर भी थके हुए सामने आते मदर भी भाई बहन भी मुझे संभाल के रखते मेंटेनेंस करते मेरी बोले उसके घर का टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है फालतू के लोगों को याद करके मैं हो रही हूँ कहती है क्लाइमेक्स आ रहा है एक मिनट और सुन लो ये अपने ही बेटे ने लिखा है जो उसे स्कूल में पढ़ रहा नहीं पता लगता कि लेक्चर मुझे कर रहे हैं ये कर रहे हैं लेकिन मैं बैलेंस करता हूँ कल शाम को कल मैंने दिन में कहा सरप्राइज टुडे एट 2:30 वी गो आउट एंड बोले कितने टाइम के लिए फ्री है मैंने कहा रात तक जब तक नहीं कहो फुल एनर्जी है बॉडी में जब तक नहीं कहोगे तब तक घर पे नहीं चलोगे आज इतना टाइम कैसे मेरे को है और ऐसे दिन आएंगे लेकिन जब काम का टाइम हो तब फिर वो काम कर जर्मनी गया एक जर्मन हाथ में सेब लेके छह दिन एक सेब को मैंने देखा लेके आया बार बार उसको ऐसे ऐसे रखता है खाई नहीं पा रहा मैंने सर्दी कर रहे इसको यार लेके आते हो तो नहीं पना क्या मजाक में का कर क्या है टाइम ही नहीं मिलता लेके आता हूँ सोचता हूँ जब काम में लगते तो कर्म करो तो ऐसे कि सब कुछ मैं करूंगा और पूजा करो तो ऐसे भगवान के सामने भी सब कुछ और तो आप बंडल बंडल करोगे बहुत जरूरी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी स्ट्रेस मैनेजमेंट अभी मैं सुना रहा था अर्जुन राम एक बार एक फंक्शन में आए हैं ग्रैंड इंडिया में अवार्ड फंक्शन था मैंने कहा सर आपको कौन सा बोले बिल्कुल आऊंगा 8 तारीख को नोटबंदी हुई 10 तारीख का फंक्शन था बोले यार भारद्वाज जी मैं जेटली जी के घर बैठा हूँ आ सकता हूँ मैंने कहा सर अब इस पॉसिबल पूरी इंडस्ट्री आ गई चार्टर प्लेन से मैं चीफ एडवाइजर भी एडमिनिस्ट्रेशन का कई फंक्शन में रवि जी आए हुए हैं आप भी आइए मैडम आप लोग भी फैकल्टी को भी इस बार में आओ
उनका फोन आया मैंने क्या करूँ नोटबंदी किसको बता आप भी तो चार कंपनी के चेयरमैन दे दो अवार्ड मेरा ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री टाटा बिरला दुनिया भर के श्री सीमेंट की मैं कह दूंगा मतलब सीमेंट सब उसमें जेके सीमेंट तो डेढ़ घंटे बाद में अगर आ जाओ मुझे पता था आप जिद करोगे तो मैंने एक आगे का टिकट भी बोल रखा है एयरपोर्ट पे डेढ़ घंटे में आ जाऊं तब तक इनको एंगेज कर दोगे आपको परेशान नहीं करने का डेढ़ तक तीन घंटे कर दूंगा पर आप आ जाइए नहीं आने का दिमाग से निकाल दो एयरपोर्ट पे रेड लाइट वाली गाड़ी एक गेट की गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ एक चेयरमैन को बैठा रहा हूँ सीधा लेके आपको ब्रेंड इंडिया आएगा आए वहां थे इनका पी एस कहने लगा कि साहब बहुत जल्दी आपको जाना पड़ेगा बीकानेर जाना मैंने कैप्टेरी को कुछ कहा धीरे धीरे बताना था मैंने कहा कोई जल्दी है जब यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा मंत्री जी के सामने कहा उन्होंने कहा आ जाए चेक करो टाइम तुम्हें जल्दी करना मुझे जाना है यहाँ पे मैंने स्टेज पर मैं क्या मैंने कहा तीन लोगों को बोला है मंत्री जी को टाइम मेरे हाथ में कितना बोल रहा है दो मिनट चार मिनट दो बजे ठीक है सर प्रेसिडेंट को बोल रहा है इतने लोग आए तो प्रेसिडेंट बोलेंगे ऐसे चीफ एडवाइजर मुझे अपनी एडवाइस देनी आधा 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 घंटा मुझे प्रेसिडेंट को बोलना था मैं 15 मिनट बोलूं उसको भी कम करके 10 पर 0 नहीं कर सकता कहीं को खराब की भी करता अपनी भाषण चालू कर रहा हूँ मंत्री के सामने संत कबीर ने कहा है करके मैंने चालू किया टाइम की वैसे ही कमी है पढ़ी पढ़ाई क्या कहे देखा देखी बात और दूल्हा दुल्हन जब मिले तो फीकी पड़े भला देखो बार बार मैं मुझे माफ करना जादू की बात आदमी हूँ लेकिन बता रहा हूँ कुछ चीजें आपको इंस्पायर करने के लिए बोल रहा हूँ मैं किसी लायक नहीं था करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है आज भी कह रहा हूँ वही मेरे को आशीर्वाद दे रहा है आप सब कुछ कर सकते हो कलाम से भी ऊपर पढ़ सकते हो हर आदमी से ऊपर आप पढ़ सकते हो अगर आपने खामी नहीं बोले यार आपने स्टडी क्यों किया क्यों कबीर को कर रहे हो सब बहुत जरूरी इंडिया के लोग जाने फॉरेन में मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जबकि उनका सिस्टम पेन किलर है टेम्परेरी रिलीफ देता है हमारा सिस्टम एंटीबायोटिक है परमानेंट रिलीफ देता है तो मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हो मैंने कहा हाँ तो बोले फिर एक बात बताओ यार यूनिवर्सिटी के सामने टाइम मैनेजमेंट पे क्या था कबीर ने मैंने कहा उन्होंने कहा काम करे सो आज करे सो अगर पढ़ते पढ़ते होगी बहु भी करे वो कब वैसे इसके बहुत सारी भीड़ थी या फिर भी थोड़ी सी खाली और पूरा भरा हुआ था थोड़े थोड़े इंडस्ट्रीज के अरब कर और क्या कहा 40,000 में ठहर नहीं सर तो भीड़ नहीं है पूरा कर देंगे ट्रेन जब फॉरन में उतरता है सेट में उतर जाए तो ताली बजाती है उन्होंने कहा कि मुर्दे को भी देख है कपड़ा पानी आग स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने बोला उनको मुर्दे को भी देख है कपड़ा पानी आग और जीवित नर चिंता करे उसके बढ़िया बात मुर्दे को भी कपड़ा पानी आग दे रहा है और कभी ना कहे कभी ना चिंता क्यों करे चिंता से क्या हुआ चिंता तो हर ही करे चिंता करो नहीं करो घर में फादर अगर जिंदा है बच्चा है 70 साल का बच्चा बोल रहा हूँ फादर के सामने थे बच्चे और फादर है 100 साल के गोदी में उठा के इलेक्ट्रिक में बैठाता है साफ करता है अपने बैठ कर पानी वानी सब काम हिलना डुलना सब बच्चे के भरोसे तो कहते हैं मुंह से जाके क्यों घूम रहा मेरी वैसे तकलीफ है क्या नहीं पता आपकी वजह से ये दुनिया में आपने ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया बच्ची शादी में भी बहुत सारे काम अटके पड़े अरे चिंता मत कर क्यों नहीं कर दुनिया में इतनी सारी परेशानियां आज कल मुझे मैं हूं ना फादर कहते हैं बोले मैं आपको तो पहले लाइटिंग तक पहले जा रहा अरे तू चिंता मत कर वो सब तो तुझे ही करना है लेकिन बाकी करूंगा और फैक्ट है जब तक वो जिंदा रहते हैं उस घर के काम विस्मृति होते रहते हैं हाय ना यस सर बहुत ज्यादा लाइटिंग जरूरी है अपने आप पे भरोसा रखिए भगवान का भरोसा रखिए पेरेंट्स की इज्जत करिए ये लाइफ में बहुत जरूरी है आपके लिए अगर ये सब आप काम करोगे गुरुजन की इज्जत करोगे भगवान का भरोसा रखोगे पे रखोगे पेरेंट्स की इज्जत करोगे तो आमिर खान ने जो ऑल इज वेल एक नारा दिया मैं भी एक दे के जा रहा हूँ पहले भी दे गया था ऑल ओवर इंडिया मेरा एक नारा चल रहा है अखबारों में बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है मेरा नारा है ऑल इज पॉसिबल क्या नारा बच्चों
आप ही में से मोदी गांधी साहब बन सकते हो, आप ही में से मोदी बनेगा, सब कुछ अच्छा है, पिलाते पिलाता अगर पीएम बन गया बंदा। और जो आज से कुछ साल पहले भाई था उसकी दीवार पर फोटो खींच रहा था जाके, वो आज रेड कार्पेट वेलकम से अंदर गया। तो ये सब मेहनत कर रहे हैं, कंप्यूटर कंडीशन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। एक बार मैं नारा बोलूंगा, आप सब रिपीट करेंगे, लेक्चर थोड़ा सा रहता है, पूरा करके जाऊंगा। वेलकम करना, बहुत जगह बच्चे कुएं में बैठे रहते हैं, बहन की आवाज आती रहती है, ऑल इज पॉसिबल। इतने बच्चे इतनी पेनल्टी आवाज, इतने गिरे, 65 साल का आदमी इतनी चीख चिल्ला, रात भर मेरी तबीयत खराब थी भाई, मैंने आप कैसे लेक्चर वगैरह सब कुछ सुन, ये तो सीधा इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, भगवान जोड़ेगा, मुझे थोड़ी बोल रहा है, सरस्वती को बुलवाया वही चीख में बनती बोल रहा है, ऑल इज पॉसिबल। पूरा आपको इंडिया को टॉप पोस्ट बनाना है, JIT को बनाना है, खुद को बनाना है, जोर लगाइए, मुर्दे की तरह मत रहिए, कहीं जगह जाके मैं मीटिंगों में देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हिंदू नहीं पाए, थोड़ा अपने आप को एकदम स्मार्ट और एक्टिव बनाइए, कीप ऑन स्माइलिंग। लेक्चर में देता हूँ कई बच्चों से, बच्चों से CA CS ICW में रेगुलर में फैकल्टी कंडक्ट जाता हूँ, तो कहते हैं साहब आपका लेक्चर इसकी झेल पाई कि आप जब मुस्कुराते रहते हो, मैंने कहा मैं इसकी झेल पाया कि रवि जी, शालिनी जी, ये सब के सामने बैठे हैं हमारे, गोयल साहब ये मुस्कुरा रहे हैं, सब मैडम मुस्कुरा रही है, तो दोनों तरफ आपको मेरे से एनर्जी मिल रही होगी, मुझे आपसे मिलेगी, भगवान ने आपको ऐसी शक्ति दी है, अगर आप मुस्कुराते रहोगे, जो लोग बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं उनकी शक्ल राक्षस जैसी बनती है, और जो मुस्कुराते रहते हैं फिगर क्रीम पाउडर की बहुत सुंदर बनते हैं। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लेक्चर किसी तरह बैठे थे, उन बच्चे ने 62-65 सक्सेस के लिए, आप 3-4 बता दें हमारी एज को देखते हुए, उसको बहुत प्रायरिटी में क्या मैं लिखो, पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, सेकंड पॉजिटिव बोला बोल चुके मैंने लिखा, थर्ड भी लिख पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिन लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सिंहासनों से एकदम नीचे आए और पॉजिटिव एटीट्यूड से दोबारा ऊपर आ गए, पॉलिटिशियंस का मैं नाम या नहीं लेता, पर आपने लाइफ में देखा है कि उधर उधर होती रहती है, लेकिन जिन्होंने नेगेटिविटी लाई वो दोबारा नहीं आ पाते, और जो पॉजिटिव रहते हैं, पर हैबिट टू से नो, नो करने की हैबिट रखिए, कंट्रोल योर एंगर, शार्प मेमोरी। एक जय मोदी लेक्चर दे रहे थे, लोगों ने कहा क्वेश्चन आंसर सेशन में सब लिख लीजिए, हम तो बोलने वाले कोई जरूरत नहीं है, बोले जवाब जब 100 हो जाएंगे तब दूंगा, बोले सर इतने 100 का जवाब एक साथ देंगे, 100 का जवाब एक साथ दिया, क्वेश्चन नंबर 100 आज भाई सुन सो, ये क्वेश्चन है, ये जवाब है, 99 पे ही है, आपको वीजा खत्म हो गया, वापस जाए यहाँ के लोग पूछे, देखा वहां पर इतना देखा, तो लड़ाई लगे तब मेरे, ऐसे ही दुनिया, यहाँ आए हो अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे अच्छे काम करो, इतनी हो बटरफ्लाई की तरह करो, अलग अलग सुनो का रस लेकर के शहद बनता है, ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से सुनो, उसमें से निकाल के उसका जूस शहद बनाओ, हनी मून शहद के नाम पर बना, तो शहद जो है वो आप बना सकते हो, अगर लोगों को सुनोगे और फालतू नेगेटिविटी अगर रखी तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। की फिट इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, तो एक लेक्चर इसका फिर का फिर कर देगा, क्या करना चाहिए, कैसे खाली दिमाग मत रखो, की फिट अगर रखना है तो हजम दीजिए। गुड टाइम मैनेजमेंट, अभी इतने काल करे सो, आज करे सो, अब कल में पढ़ ले, वही भोगी कर। एक टीचर मैंने शायद सुनाया होगा आपके, मैं पेपर में आया हूँ, अपने बेडरूम में कॉपी चेक कर रही थी, रोने लगी, पति ने कहा एक तो फॉल्ट ये कर रही होगी बेडरूम में कॉपी हो गई, मूड ऑफ करी, रो रही है, बोले आज खाली पीरियड में मैंने बच्चों से कहा कि कोई भी मर गया जो ऐसे लिखो, एक बच्चे ने लिखा काश में टेलीविजन होता, तो बोली तो हंसी की बात है, इसमें रोना क्या है, बोले आगे सुनो पेशेंस, वो लिख रहा मैं टेलीविजन होता, फादर भी थके हुए सामने आते, मदर भी, भाई बहन भी मुझे संभाल के रखते, मेंटेनेंस करते मेरी, बोले इसके घर का टाइम मैनेजमेंट बहुत खराब है, फालतू के लोगों को याद करके मैं भूल कर रही हूँ, कहती है क्लाइमेक्स सारा लिख कर पहुंच लीजिए, ये अपने बेटे ने लिखा है जो उसे स्कूल में पढ़ा, नहीं पता
ऐसा लगता है कि लेक्चर मुझे कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन मैं बैलेंस करता हूँ कल शाम को, कल मैंने दिन में कहा सरप्राइज टुडे एट 2:30 वी गो आउट एंड बोले कितने टाइम के लिए फ्री है, मैंने कहा रात तक जब तक नहीं कहो, फुल एनर्जी है बॉडी में, जब तक नहीं कहोगे तब तक घर पे नहीं चलोगे, आज इतना टाइम पैसा मेरे पास है और ऐसे दिन आएंगे लेकिन जब काम का टाइम हो तब फिर वो काम कर। जर्मनी गया, एक जर्मन हाथ में सेब लेके, 6 दिन एक सेब को मैंने देखा लेके आ रहा है बार बार, उसको ऐसे ऐसे लगता है खाई नहीं पा रहा, मैंने बोला जब काम में लगते तो कर्म करो तो ऐसे कि सब कुछ मैं करूंगा, और पूजा करो तो ऐसे भगवान के सामने भी सब कुछ, और जब कॉम्पिटिशन आपका मिल गया तो आप बंडल तो 1.5 घंटे बाद में अगर आजा, मुझे पता था आप जीत करोगे तो मैंने एक आगे का टिकट भी बोल रखा है एयरपोर्ट पे, 1.5 घंटे में आ जाऊं, तब तक इनको एंगेज कर दो, आपको परेशानी में करो, 1.5 घंटे कर दूंगा और आप आ जाइए, देने आने का दिमाग से निकाल दे। एयरपोर्ट पे रेड लाइट वाली गाड़ी, एक गेट की गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, एक चेयरमैन को बैठा रहा हूँ, सीधा लेके आपको ब्रेड मिल आएगा। आए वहां थे इनका PS कहने लगा कि साहब बहुत जल्दी आपको जाना पड़ेगा, बिगाने जाना, मैंने कुछ खा बचाना था, मैंने कोई जल्दी है जब यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मंत्री जी सामने कहा उन्होंने कहा यार ठीक है टाइम कितनी जल्दी करना, मुझे जाना है आपको, मैंने स्टेज पे मैं गया, मैंने कहा 3 लोगों को बोला है, कुछ मंत्री जी को टाइम मिनट मेरे हाथ में इतना बोल रहा था, 2 मिनट 4 मिनट 2 बजे प्रेसिडेंट को बोल रहा है, इतने लोग आए तो प्रेसिडेंट बोलेंगे, एज ए चीफ एडवाइजर मुझे अपनी एडवाइस देनी, आधा घंटा मुझे प्रेसिडेंट को बोलना था, मैं 15 मिनट बोलूं उसको भी कम करके 10 पर 0 नहीं कर सकता, टाइम को खराब की भी करता अपनी भाषण चालू कर रहा हूँ मंत्री के सामने, संत कबीर ने कहा है करके मैंने चालू किया, टाइम की वैसे ही कमी है, पढ़ी पढ़ाई क्या कहे देखा देखी बात करोगे, बहुत जरूरी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट अभी मैं सुना रहा था, अर्जुन राम मेघवाती एक फंक्शन में आए यहाँ पे किरण मीडिया रहा है, अवार्ड फंक्शन था, मैंने कहा सर आपको पहुंचना, बोले बिल्कुल आऊंगा, 8 तारीख को नोटबंदी हुई, 10 तारीख का फंक्शन था, बोले यार बागदा जी मैं जेटली जी के घर बैठा हूँ, आ सकता हूँ, मैंने कहा सर अब किस पसी को पूरी इंडस्ट्री आ गई, चार्टर प्लेन से मैं चीफ एडवाइजर भी स्टेशन का, कई फंक्शन में रवि जी आए हुए हैं, आप भी आइए मैडम, आप लोग भी फैकल्टी को भी स्वाद में आओ, को भी मिलता हूँ आपको भाई जी, अभी फंक्शन करने वाला है, उनका फोन है, मैंने सर ये सब नहीं चलेगा, यू हैव टू कम, क्यों यार अवार्ड मैंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, चार्टर प्लेन से आए हुए लोग भी बैठे हैं, हॉल भर चुका है, आप मना कर रहे हैं, यार मैं क्या करूँ नोटबंदी किसको बता, आप भी तो चार कंपनी के चेयरमैन दे दो अवार्ड, मैं ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, टाटा बिरला दुनिया भर के श्री सीमेंट की, मैं कैसे दूंगा मोगलन सीमेंट सब मैं इसमें जीते सी, तो 1.5 घंटे बाद में अगर आ जाओ, मुझे पता था आप जीत करोगे तो मैंने एक आगे का टिकट भी बोल रखा है एयरपोर्ट पे, 1.5 घंटे में आ जाऊं, तब तक इनको एंगेज कर दो, आपको परेशानी में करो, 1.5 घंटे कर दूंगा और आप आ जाइए, देने आने का दिमाग से निकाल दो, एयरपोर्ट पे रेड लाइट वाली गाड़ी, एक गेट की गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ, एक चेयरमैन को बैठा रहा हूँ, सीधा लेके आपको ब्रेड मिल आएगा, आए वहां थे इनका PS कहने लगा कि साहब बहुत जल्दी आपको जाना पड़ेगा, बिगाने जाना, मैंने कैप्टेरी को कुछ खा दिया, मुझे बचाना था, मैंने कोई जल्दी है जब यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मंत्री जी सामने कहा उन्होंने कहा यार ठीक है टाइम कितनी जल्दी करना, मुझे जाना है आपको, मैंने स्टेज पर मैं गया, मैंने कहा 3 लोगों को बोला है, कुछ मंत्री जी को
टाइम में मेरा आपने इतना बोल रहा था, 2 मिनट 4 मिनट 2 बजे सीरियस में प्रेसिडेंट को बोल रहा है, इतने लोग आए तो प्रेसिडेंट बोलेंगे ऐसे। चीफ एडवाइजर मुझे अपनी एडवाइस दे रही, आधा घंटा मुझे प्रेसिडेंट को बोलना था, मैं 15 मिनट बोलू उसको भी कम करके 10 पर 0 नहीं कर सकता। कहीं इनको खराब थी भी करता अपनी भाषण चालू कर रहा हूँ मंत्री के सामने, संत कबीर ने कहा है करके मैं चालू किया, कहीं की वैसी कमी है। पढ़ी पढ़ाई क्या कहे, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन जब मिले तो फीकी पड़े बला। मैं लिख लू दोबारा रिपीट करोगे, मुझे पसंद आया मैं लिखी। बोले आप क्या देखे सेंटर क्या जरूर पड़ी इसको मैं लिखी। देखो बार बार मैं सेंटर मुझे मैं किसी अनुदान में नहीं बोल रहा, मुझे माफ करना जानू तो अर्थ आदमी हो, लेकिन बता रहा हूँ कुछ चीजें आपको इंस्पायर करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं किसी लायक नहीं था, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, आज भी कह रहा हूँ कि वही मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। आप सब कुछ कर सकते हो, कलाम से भी ऊपर पढ़ सकते हो, हर आदमी से ऊपर आप पढ़ सकते हो अगर आपने ठान ली। बोले यार आपने स्टडी क्यों किया, क्यों कबीर को कर रहे हो, सब बहुत जरूरी। इंडिया के लोग जा रहे हैं फॉरेन में मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं जबकि उनका सिस्टम पेन किलर है, टेम्परेरी रिलीफ देता है, हमारा सिस्टम एंटीबायोटिक है, परमानेंट रिलीफ देता है। तो मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ रहे हो, मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर एक बात बताओ यार यूनिवर्सिटी के सामने टाइम मैनेजमेंट में क्या था। कबीर ने मैंने कहा, उन्होंने कहा काम करे सो आज करे सो, अगर पढ़ते पढ़ते हुई थी बहुत ही करे वो कब। वैसे इसके बहुत सारी भीड़ थी या फिर भी थोड़ी सी खाली बात पूरा भरा हुआ था, थोड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अरब कर और क्या कहा, ताली बजाने के लिए ठंडे सर तो भीड़ भी नहीं है पूरा कर देंगे। ट्रेन जब फॉरन में उतरता है सेट में उतर जाए तब ताली बजाते जाऊंगी। उन्होंने कहा कि मुर्दे को भी देख है कपड़ा पानी आग, स्टेस मैनेजमेंट में मैंने बोला उनको मुर्दे को भी देख है कपड़ा पानी आग, और जीवित नर चिंता करे उसके बढ़िया बात, मुर्दे को भी कपड़ा पानी आग दे रहा है। और कभी ना कहे कभी ना चिंता क्यों करे, चिंता से क्या हुआ, चिंता तो है ही करे, चिंता करो नहीं करो। घर में फादर अगर जिंदा है, बच्चा है 70 साल का, बच्चा बोल रहा हूँ कि फादर के सामने तो बच्चे, और फादर है 100 साल के, गोदी में उठा के बैठी में बैठाता है, शाम करता है अपने हाथों से बैठ कर पानी वानी सब काम हिलना डुलना सब बच्चे के भरोसे। तो कहते हैं मुंह जाके क्यों बोल रहा, मेरी वैसे तकलीफ का क्या नहीं पाता, आपकी वजह से ये दुनिया में आपने ईमानदारी का पाठ पढ़ा दिया, बच्ची शादी में भी बहुत सारे काम अटके पड़े। अरे चिंता मत कर, मैं क्यों नहीं कर, दुनिया में इतनी सारी परेशानियां आज कल हो रही है, मैं हूं ना। फादर कहते हैं बोले मैं आपको तो पहले लाइटिंग तक पहले जा रहा हूँ। अरे तू चिंता मत कर, वो सब तो यही करना है लेकिन बाकी करूंगा। और फैक्ट है जब तक वो जिंदा रहते हैं उस घर के काम स्मूथली होते रहते हैं। हाँ बहुत ज्यादा लाइफ में जरूरी है अपने आप पे भरोसा रखिए, भगवान का भरोसा रखिए, पेरेंट्स की इज्जत करिए, ये लाइफ में बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर ये सब आप काम करोगे, गुरुजन की इज्जत करोगे, भगवान पर भरोसा रखोगे, खुद पे रखोगे, पेरेंट्स की इज्जत करोगे, तो आमिर खान ने जो ऑल इज वेल एक नारा दिया, मैं भी एक देख के जा रहा हूँ, पहले भी देख गया था, ऑल ओवर इंडिया मेरा एक नारा चल रहा है, अखबारों में बहुत कुछ इसके बारे में लिखा है। मेरा नारा है ऑल इज पॉसिबल। क्या नारा बच्चों, आप ही वैसे नेहरू गांधी सब बन सकते हो, आप ही वैसे मोदी बनेगा, सब कुछ अच्छा है, पिलाता पिलाता अगर पीएम बन गया बंदा, और जो आज से कुछ साल पहले व्हाइट हाउस की दीवार पर फोटो खींच रहा था जाके, वो आज रेड कार्पेट वेलकम से अंदर गया, तो ये सब मेहनत करने पर विजन बनी चाहिए, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। एक बार मैं नारा बोलूंगा आप सब रिपीट करेंगे, लेक्चर थोड़ा सा मिलता है पूरा करके जाऊंगा। ऑल इज वेलकम कहना, बहुत जगह बच्चे कुएं में बैठे रहते हैं, वेल की आवाज आती रहती है, ऑल इज इतने बच्चे इतनी पेनल्टी आवाज इतने धीरे, एक पैसे साल का आदमी इतनी चीख चिल्ला, रात भर मेरी तबीयत खराब थी, लाइफ में आप कैसे लेक्चर वगैरह सब कुछ ले, ये तो सीधा इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा, भगवान बोलेगा वही थोड़ी बोल रहा है, सरस्वती को बुलवाया वही चीख में करती बोल रहा है। पूरा आपको इंडिया को टॉप पोस्ट बनाना है, JIT को बनाना है, खुद को बनाना है, जोर लगाइए, मुर्दे की तरह मत रहिए, कहीं चले जाके मैं मीटिंगों में देखता हूँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हिंदू नहीं पाए, थोड़ा अपने आप को एकदम स्मार्ट और एक्टिव बनाइए, कीप ऑन स्माइलिंग,
लेक्चर में लेता हूँ कई बच्चों से, बच्चों से सीए सीएसआई से कंपनी में रेगुलर में कंपनी करना ही जाता हूँ, तो कहते हैं साहब आपका लेक्चर इसकी झेल पाई कि आप जब मुस्कुराते रहते हो, मैंने कहा मैं इसकी झेल पाया कि रवि जी शालिनी जी ये सब के सामने बैठे हैं हमारे, गोयल साहब ये मुस्कुरा रहे हैं, सब मैडम मुस्कुरा रही है, तो दोनों तरफ आपको मेरे से एनर्जी मिल रही होगी, मुझे आपसे मुस्कुराई, भगवान ने आपको ऐसी शक्ति दी है अगर आप मुस्कुराते रहोगे, जो लोग बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं उनकी शक्ल राक्षस जैसी बनती है और जो मुस्कुराते रहते हैं उनके प्री पाउडर भी बहुत सुंदर बनते हैं, तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके लेक्चर किसी तरह बैठे थे, बच्चे ने बोले 32 सक्सेस के लिए, आप 3-4 बता दें हमारी एज को देखते हुए, उसको बहुत प्रायरिटी में क्या मैंने लिखो, पहला पॉजिटिव एटीट्यूड, सेकंड पॉजिटिव बड़ा बोल चुके मैंने लिखा, थर्ड भी पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जिन लोगों ने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सिंहासनों से एकदम नीचे आए और पॉजिटिव एटीट्यूड से दोबारा ऊपर आ गए, पॉलिटिशियंस का मैं नाम यहाँ नहीं लेता, पर आपने लाइफ में देखा है उधर उधर होती रहती है, लेकिन जिन्होंने नेगेटिविटी लाई वो दोबारा नहीं आ पाते और जो पॉजिटिव रहते हैं, पर हैबिट टू से नो, नो करने की हैबिट रखिए, कंट्रोल योर एंगर शार्प मेमोरी। एक जय मुझे लेक्चर दे रहे थे, लोगों ने कहा क्वेश्चन आंसर सेशन में सब लिख लीजिए, हम जो बोलने वाले कोई जरूरत नहीं है, बोले जवाब जब 100 हो जाएंगे तब दूंगा, बोले सर इतनी 100 का जवाब एक साथ देंगे, 100 का जवाब एक साथ दिया, क्वेश्चन नंबर 100 आज भाई 200 ये क्वेश्चन है ये जवाब है, 99 मस्ट नो इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, यू तो एक ढंग से नहीं चलते हैं लोग, दूसरे भी साथ दे तो बात नहीं चला, लगने नहीं चलता, पर अगर आगे पीछे देखें इतने लोग बैठे इतने चल रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है तो वो ज्यादा अच्छा है। मस्ट बी पैशनेट अबाउट योर वर्क, ढाई घंटे मेरा जो बेसमेंट 30x20 का बना रखता है, कई बार बिटी आती है एकदम शांति में, मैं भाई को बिटी हम चाहते रहते, बड़ी बार शादी करती है बड़ी बिटी वो आती है, पापा क्या हो रहा है, मैंने कहा यार बेटे बोलते हैं अगर डर लग रहा है मुझे एकदम रात को इतना सन्नाटा है तो अचानक आप पापा आप को इतना समझा बंद करिए काम, ये मेरा शौक क्या कर रहे हैं लेक्चर बना रहे हो, मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं कर दे दूंगी, आप युवा बुलाओगे आप समझते नहीं, एज का ध्यान रखो, वाइफ भी कहती है एज का ध्यान रखो, तो मैंने उनसे कहा अभी तो पार्टी शुरू की लेकिन वही लोग जब सुबह कहते हैं पापा जाओ आटा खत्म हो गया ले जाओ 10 सुबह कहते हैं और मैं सो रहा हूँ घर रात लेके, बोले आपसे 15 पहले कहता बेटे देखती थी मैं सो रहा हूँ, तब तो आप जगे हुए थे लेक्चर बना रहे थे 15 हो गए, तो जो आदमी की चॉइस का काम नहीं होता उसमें बच्चा 24 से खेल रहा था मजा नहीं, तुझे 24 से खेलता हूँ देखने तू मान नहीं रहा, बंद कर खेलना, कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल तरोता जाऊँ खेलने दो मम्मी, परेशान मत हो आप मेरी वजह से, ठीक है ना श्योर, हाँ 100% ये किताब के पढ़ने बैठे किताब की और 5 मिनट कर रहा थे तो जो पैशनेट है उसी काम को करिए, कीप ऑन इंक्रीजिंग योर क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, को डॉक्टर को से आप ज्यादा टाइम बड़ा नहीं लूंगा किससे मैं सुनाऊंगा आपकी एक तो वीडियो बहुत जल्दी आगे दिखा रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन और स्किल्स को बढ़ाते जाइए, गुड लिसनर भी रहिए, एक ऐसा एनजीओ बना जिसमें का जो आत्महत्या करने जा रहा है इस एनजीओ में बंद करें, बंद किया लोगों ने उसमें 70-80% जो है खत्म हो गया और आत्महत्या खत्म हो गई, लोगों ने सीईओ से पूछा ऐसा क्या स्टाफ बनाया जो बेवकूफ लिसनर नहीं, लिसनर की वजह से आत्महत्या खत्म हो रही, बोले लिसनर जो होगा वही तो काम करें, पूरा उन्होंने सुना यू मस्ट बी गुड लिसनर, ये की लाइफ में जरूरी है, गुड नॉलेज है, चेतन भगत कोटा मैंने बुलवाया IIT के बच्चे इकट्ठे किए, जितना हॉल में जगह थी 1000 उतनी बच्चे बाहर थे,
चार घंटे के पेमेंट हमने नहीं किया, इन्वेस्टमेंट दूसरे लोगों ने किया, चार घंटे के आज से सात आठ साल पहले, दस साल पहले 12.5 लाख रुपए दे गया लेक्चर देने। अगर आप गुड ऑरेटर हो, अभी बहुत जल्दी शिव खेड़ा जी के साथ आपको मेरे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, बात चल रही है, ये लोग एक एक प्रोग्राम में लाखों रुपए लेंगे। पब्लिक को जरूरत नहीं, कौन देगा? किसी से 5 रुपए आप नहीं निकलवा सकते। मैं आपको अपनी दीदी आपसे कह रहा हूं, अगर ऑरेटर अच्छे बन गए बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज इम्पोर्टेंट सेम टाइम। कंपेयर विद सेल्फ, खुद से कंपेयर कर सकते हो, अपने आप से कंपेयर कर, दूसरे से भी, दूसरे से करोगे इंशाल्लाह बहुत दिक्कत आएगी, उससे करोगे ठीक रहेगा। है ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड सुबह से उठते ही भगवान का धन्यवाद, माँ बाप का, पुरखों का, अखबार वाले का, चाय वाले का, वाइफ का, बच्चों का, सबका धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको इस लायक तो रखा है कि आप काम कर पाए। हम धन्यवाद नहीं है, बुराई चालू करते उठते, इसकी वजह से ये सत्यानाश हुआ उसके लिए नहीं। आज से भी बनाओ सबके लिए अच्छा बोल रहे, सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ, डिसकम्फर्ट इज प्री रिक्विजिट फॉर एक्सीलेंस। जब तक मेहनत नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ 2:30 बजे तक बना रहा हूँ, सुबह उठ गया आज तभी खराब थी, फिर भी 5:30 बजे उठ के चलना है JIT। जब तक नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, डिस्कम्फर्ट नहीं हमारे जीवन का आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट बनाना फ्रॉम पीपल नॉट हैप्पी बनाना। ऐसे व्यक्ति जिनके पास केला नहीं, आप उम्मीद करो केला खिलाएगा, कहाँ से खिलाएगा ही, हम सोचते धन्यवाद देगा, गाली बजाएगा, मुस्कुराएगा, उसने कभी मुस्कुराया नहीं जिंदगी भर, कैसे मुस्कुराएगा? उसके बाद बनाना नहीं है, कहाँ से लेगा? नेचुरली मस्ट बी सेट एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल सेट करो, जो कि अपने बना दिए फेसबुक पर देखता रहता हूँ, देख दुनिया भर के कामयाब कर दिए, कितना नाम हो रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रही है, क्या होना चाहिए हमारे यहाँ होने वाला, हमारे एडमिशन नहीं होगी, कल क्या है तो आप कर रहे हो मैंने कहा यही जो है बुक्स में लगाना चालू कर दिया। और आज ये हालत है कि मंत्री फोन कर रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा सर पैसा का नहीं, अरे यार मैं एक बार बोल रहा हूँ, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से कबीर वाली बात नहीं भूल पाता हूँ, अकेले मैं याद करता रहता हूँ, भारद्वाज जी आपकी आयु भगवान बड़ी कर दे, तो ये बोला नहीं बोला। और ज्यादा कभी दिक्कत आ जाए तो कबीर से कहता हूँ कि आज के जमाने में इतना दुआ नहीं बोलता, थोड़ा भी मेरा ध्यान नहीं है, मेरी दिक्कत दूर करो, एक लगता है सारा मेरा ऊपर बैठा है। ब्रह्म लोक में अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं जिनसे मेरे कनेक्शन है, अच्छी किताबें पढ़ोगे। अभी एक बहुत बड़े रोहित शर्मा ने लिखा कि गांधी जी के साथ चाय पी, मैंने गांधी के साथ चाय पी, तो वो लिख रहा है कि मैंने गांधी की बुक पढ़ी, चाय पीते पीते तो गांधी जी के साथ चाय पी। अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़िए, साथ डिस्ट्रिक्ट हो जाइए। अभी देखते रसम था, बोले भाई सिगरेट कब से छोड़िए, छोड़ दी सर मैं आती नहीं लगा रहा, कब से 3 मिनट पहले, अभी जो बाहर फेंक दी उसका धुआं ही निकल रहा होगा। फिर मिले बोले इस बार तो छोड़ी दी, कब बोले 1 मिनट पहले और छोड़ी दी। बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ, मैं कॉलेज में था 17 सिगरेट पी लिया, इलाहाबाद में पढ़ा था एमएलए की, मैं बार बार आता था उस जमाने में, ऐसे मोबाइल वायरस भी मेरी मदर कहने की पाले बहुत सुप्रिंटेंडेंट जी या फिर सेक्रेटरी बन गए। मदर ने पूछा बेटे उस संगत में तो नहीं फंस गया? मैंने कहा नहीं नहीं फंसा, तो सिगरेट वगैरह आ नहीं पाते, ईमानदार लोग हैं वहाँ, कैसे हैं, इतना किराया दूर है, कोई मोबाइल वगैरह थे नहीं, कुछ नहीं था, तो बोले सिगरेट तो नहीं पीना, माँ से कैसे जोड़ जोड़ने की। पिछली बार आया था तब तूने 5 बोली थी, मैंने कहा धीरे धीरे 17 तक तो उन्होंने सुन लिया, अलग अलग ट्रिप में अब कहती हूँ तुझे नहीं सर पर आप कसर का बीच ले लो, उसके बाद आज तक अगर आप मुझे 10 मिनट अलाउ करोगे, 10-15 मिनट, और अगर आपको लगता है नहीं तो मैं खत्म कर दूं, तो ये एक है कि मैं यूनिवर्सिटी क्या जानते हैं उनको, बड़े यंग एंड डाइनिंग जयपुर में
हर बार जब जाता था घर मुस्कुराते उस टाइम बड़े सुस्त बैठे थे, मैंने शायद आपने सुना होगी इससे। मैंने कहा क्या हो गया यार आज यू आर नॉट इन गुड मूड, बोले साहब अभी गुरु पूर्णिमा निकली है, मैंने कहा पुरानी बात है गुरु पूर्णिमा के आसपास की होगी, पूरे लास्ट ईयर 300 बच्चे आए थे, इस बार एक भी नहीं आया बैच में, ऐसे हो गए। आप लेक्चर में बिजी होते हैं सर, आपको वही प्रॉब्लम से क्या है, मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा, पर आज मुझे लग रहा है सर हम लोग परेशान बन गए हैं, आप चलो लेक्चर में जवाब दें। बोले नहीं सर आप इसी वजह पढ़ के आपको लेक्चर चालू करो, मैं तो दूसरे काम में बिजी। मैंने कहा तू आ तो सही, बोले प्रॉब्लम ही नहीं सुनी, जवाब कैसे दोगे। मैंने कहा मैं समझ गया आप बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और बच्चे कह रहे हैं तुम कौन मैं कौन हम आपके हैं कौन। ये लड़की का लेक्चर हो रहा था, मिसेज जोशी रेनू की पास में खड़ी पुराने बहुत सालों से जा रहा हूँ उनके यहाँ, ये कि यहाँ पहले रहिए जगह जगह वहां सब जगह लिया बहुत घंटे हो गए, हजारों बच्चों की डिग्री एक साथ देने पर दर्द हो गए, रुके से नहीं हो। अरे नहीं सर बात दूसरी, क्या ये बच्चे जा रहे हैं ना इनकी वीडियो मेरे दिमाग में, एक एक बच्चा फर्स्ट ईयर से जब आया था उसके बाद जिस तरह से आगे बढ़ना है, तो मैं इमोशनल हो गई मैंने बात किसी। तो इतना ज्यादा रेस्पेक्ट टीचर्स कर रहे हैं लेकिन बच्चों में तू कौन मैं कौन हम आपके है कौन वाला व्यवहार है, वो उनके इस रेस्पेक्ट को उनके अफेक्शन को नहीं समझ पा रहे, इन टर्न जो रेस्पेक्ट चाहिए नहीं दे पा रहे। बच्चों ध्यान रखो टीचर्स की रेस्पेक्ट नहीं है बहुत जरूरी। जब मैं वहां गया और उनको डीन साहब को हाथ पकड़ के ले गया, इनके अच्छे मित्र नाम नहीं लूंगा पब्लिकली, वहां जाकर बैठे ये वीडियो दिखाया, मैंने जवाब नहीं दिया उन्हें, ये जब मैंने ओटीएस में आईएएस बहुत करते थे दिखाया, 12 लोग करीब 10-12 बाहर चले गए, मैंने कहा यार ये फालतू का कैसे दिखा दिया, दिखता है इनको पसंद नहीं आया, मुझे पता लगा वो रोने लगे सर कैसे, तो देखिए बाहर गए और उन लोगों से कहा इतना इमोशनल कर दिया जो स्पीकर आया हुआ है कि हम बाहर आ गए हमें बैठा दिया। इसमें ध्यान से देखिए आजकल मदर भारत के साथ क्या हो रहा है, हम तरक्की चाह रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज चाह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पैदा किया है उनका रेस्पेक्ट नहीं चाह रहे। अभी मदर की अस्थि पेंशन निकला अमेरिका से लड़का आया, जब प्रेस मीडिया ने पूछा पुलिस वाले ने पूछा आप खबर नहीं करते आप आदमी मदर जो आपकी ठीक थी आप खाली अकेले पक्ष में खत्म हो गई, बोले जी मैं फर्स्ट टाइम टच में था, बोले कब बात की लास्ट, बोले एक साल पहले करी, अभी तो करी थी साल भर पहले। माँ जो की खुद दिन भर रात भर गिरी रहती है, हर पल गिरी रहती है माँ बच्चे के चक्कर में, वो बच्चा कह रहा है एक साल पहले था, और फिर चाहते हैं बड़े बन जाए, कभी माँ बाप का दिल दुखा के कभी बड़ा नहीं बन सकते, कोई बन के दिखा दे मेरे पास आ जाए, माँ बाप की रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। दो मिनट इसको देखिए, मैं बहुत जल्दी चीजों को खत्म करने की कोशिश में हूँ, आई एम रियली सॉरी। मैं पिता पर कुछ पंक्तियां लिखी अमिताभ जी, ये हरिवंश का है बच्चन जी की स्मृति में कार्यक्रम है, इसलिए मैं कुछ पंक्तियां पिता पर पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। माँ पर और पिता पर कुछ पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूँ। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं मालूम कि किन की माँ जीवित है और किन्होंने माँ को खो दिया, पर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिनकी माँ जीवित है जिनके पिता जीवित हैं वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो दुनिया के सबसे धनाढ्य लोग हैं। एक मिनट के लिए बचपन में लौटिएगा, याद कीजिएगा जब हम बहुत छोटे थे माँ की गोद में थे, माँ का स्तनपान करते थे, तब माँ का एक स्तन मुंह में लेकर हमने उस माँ को दूसरे स्तन पर अपने छोटे छोटे पैरों से न जाने कितनी बार मारा, पर उस माँ ने हमें दूध पिलाना बंद नहीं किया। मित्रों लात खाकर भोजन देने की शक्ति उस परम पिता परमेश्वर ने दुनिया में यदि किसी को दी है वो सिर्फ माँ को दी है, माँ के अलावा किसी के पास नहीं, और माँ की वंदना में कविता पढ़ना है। याद कीजिएगा उन दिनों में जब हम चौके में रसोई में बैठकर खाना खाया करते थे और माँ खाना बनाती थी, उस वक्त थाली पर बैठकर हमने जब भी इधर उधर देखा वो माँ समझ गई और उसने नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया। हमारे बिना बोले को समझने वाली वो माँ जब हम उसे खो देते हैं वो माँ हमें बहुत याद आती है। वो माँ जो हमारे परीक्षा देते जाते वक्त दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर आकर खड़ी हो जाती थी उसे हम खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। रमेश सोच की चार पंक्तियां माननीय नेताजी यहाँ बैठे हैं मैं पढ़ता हूँ। मुझे अच्छी लगती है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना है। तीन पंक्तियां सुनाता हूँ। स्वामीनाथ पांडे ने तीन पंक्तियों का उपन्यास लिखा, अमिताभ जी बैठे हैं, जया जी बैठी हैं।
तीन पंक्तियों में पूरा उपन्यास लिख दिया। उसने लिखा एक विधवा माँ थी, उसके दो बेटे थे, एक बेटा नीचे वाले माले पर रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले माले पर रहता था। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, विधवा माँ 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हाथ व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियां माँ के लिए लिखी। सुनिएगा, यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ, माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ, माँ रोते हुए बच्चे का कृष्ण माँ पलना है। माँ, माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ, माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ, माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ, माँ गालों पर पक्की है, ममता की धारा है। माँ, माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ, माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ, परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ, माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ, माँ खून से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। उसी काम को करिए, कीप ऑन इंक्रीजिंग योर पार्टिसिपेशन इन दिस कंपटीशन। और बहुत सारे बच्चे आप ज्यादा टाइम मेरा नहीं दूंगा, इस तरह सुनाऊंगा और फिर एक वीडियो बहुत जल्दी आगे दिखाने। तो क्वालिफिकेशन और इस चीज को बढ़ाते जाइए, गुड लिसनर भी रहिए। एक ऐसा एनजीओ बना जिसमें का जो आत्महत्या करने जा रहा है, इस एनजीओ बंद करें। बम क्या लोगों ने उसमें 70-80% जो है खत्म हो गया, और आत्महत्या खत्म हो गई। लोगों ने सीईओ से पूछा ऐसा बेस्ट आप बनाया जो देर गुड लिसनर नहीं, चेतन भगत कोटा मैंने बुलवाया, IIT के बच्चे इकट्ठे थे। जितना हॉल में जगह थी 1000 उतने बच्चे बाहर थे। 4 घंटे के पेमेंट हमने नहीं किया, इन्वेस्टमेंट दूसरे लोगों ने किया। 4 घंटे के आज से 7-8 साल पहले, 10 साल पहले 12.5 लाख रुपए दे गया लेक्चर देने। अगर आप गुड ऑरेटर हो, अभी बहुत जल्दी शिव पिताजी के साथ आपको मेरे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, बात चल रही है। ये लोग एक प्रोग्राम में लाखों रुपए लेंगे। पब्लिक को जरूरत है नहीं, कौन देगा? किसी से 5 रुपए आप नहीं निकलवा सकते। मैं आपको अपनी दी आपसे कह रहा हूं, अगर ऑरेटर अच्छे बन गए बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। Money is not everything, but money is important same time. Compare with self. खुद से कंपेयर करो, अपने आप से कंपेयर करो, दूसरे से दूर से भी करोगे ईर्ष्या बहुत दिक्कत आएगी, उससे करोगे ठीक रहेगा। सुबह से उठते ही भगवान का धन्यवाद, माँ बाप का, पुरखों का, अखबार वाले का, चाय वाले का, भाई का, बच्चों का, सबका धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको इस लाइक को रखा है कि आप काम कर पाए। हम धन्यवाद नहीं, हम नहीं चालू करते उठते, इसकी वजह से सत्यानाश हुआ उसके लिए नहीं। आज से अभी बनाओ सबके लिए अच्छा बोलना है। सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ, डिसकंफर्ट इज प्री रिक्विजिट फॉर एक्सपीरियंस। जब तक मेहनत नहीं करोगे, मैं बता रहा हूँ 2:30 बजे तक बना रहा हूँ, सुबह उठ गया आज तबियत खराब थी, फिर भी 5:30 बजे उठ के चलना है JIT। जब तक नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, डिसकंफर्ट नहीं हमारे जीवन का आएगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डोंट एक्सपेक्ट बनाना फ्रॉम पीपल नॉट हैप्पी बनाना। ऐसे व्यक्ति जिनके पास केला नहीं, आप उम्मीद करो केला खिलाएगा, काफी खिलाएगा ही। हम सोचते धन्यवाद देगा, गाली बजाएगा, मुस्कुराएगा, उसने कभी मुस्कुराया नहीं जिंदगी भर, कैसे मुस्कुराएगा? उसके पास बनाना नहीं है, कहां से लेगा? नेचुरली मस्ट सेट एग्जाम्पल। चाहे आप एग्जाम्पल सेट करो, जल्दी अकाउंट बना दिए, फेसबुक पर देखता रहता हूँ, एक दुनिया भर के कामयाब करते, कितना नाम हो रहा है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी छोड़ा जी, क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ होनी पा रहा, हमारे एडमिशन नहीं होगी, कर क्या रहे? तो आप कर रहे हो आपके लिए, मैं भी मजबूर बोलता हूँ, जो आपने क्या बोली है।
जरूर पड़ेगा। जब मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आया, हर महीने बैंक में जमा करती थी बाजार से रही को 8-10 किताब, बैंक में ना ये कि आप करेंगे फाइनेंशियल बहुत ट्रबल है, मैंने कहा बुक्स है आप मानते नहीं, बहुत दीदी आपने बुक्स में पैसा लगा दिया है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं, खरीद के मैं खरीद के लाया हूँ तो गिने चुने पैसे थे वो बुक्स में लगाना चालू कर दिया। मैंने कहा यही जो है बुक्स का। और आज ये हालत है कि मंत्री फोन कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैप्पी बर्थडे। मैंने कहा सर पहचाना नहीं, अरे यार मैं एक बार बोल रहा हूँ स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से, कबीर वाली बात नहीं भूल पाता हूँ, अकेले मैं याद करता रहता हूँ भारद्वाज जी आपकी आयु भगवान बड़ी कर दे, तो ये बोला नहीं बोला। और ज्यादा कभी दिक्कत आ जाए तो कबीर से कहता हूँ कि आज के जमाने में इतना तुम्हारी नहीं बोलता, थोड़ा भी मेरा ध्यान नहीं है, मेरी दिक्कतें दूर करो, एक लगता एक सहारा मेरा ऊपर बैठे है, ब्रह्म लोक में अच्छे अच्छे लोग बैठे जिनसे मेरे कनेक्शन है, अच्छी किताबें पढ़ोगे। अभी एक बहुत बड़े रोहित शर्मा ने लिखा कि गांधी जी के साथ चाय पी, मैंने गांधी के साथ चाय पी, वो लिख रहा है कि मैंने गांधी की बुक पढ़ी चाय पीते पीते तो गांधी जी के साथ चाय पी, अच्छी अच्छी किताबें आप पढ़िए साथ डिस्ट्रिक्ट हो जाइए। अभी देखिए पसंद है, बोले भाई सिगरेट कब से छोड़िए, छोड़ दी सर मैं आती नहीं लगा रहा, कब से 3 मिनट पहले अभी जो बाहर फेंकी उसका धुआं ही निकल रहा होगा। फिर मिले बोले इस बार मैं छोड़ी थी, कल मुझे 1 मिनट पहले और छोड़ी थी, मैं बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ। मैं कॉलेज में था 17 सिगरेट पी लिया, इलाहाबाद में पढ़ा था एमएलए की, मैं बार बार आता था उस जमाने में, ऐसे मोबाइल वगैरह भी मेरी मदर कहती थी फादर वॉज सुपरिटेंडेंट या फिर सेक्रेटरी बन गए, मदर ने पूछा बेटे उस संगत में तो नहीं फंस गया, मैंने कहा नहीं फंसे, तो सिगरेट वगैरह आ नहीं पाते ईमानदार लोग हैं वहाँ कैसे हैं, इतना किराया है दूर है, कोई मोबाइल वगैरह थे भी कुछ नहीं था, तो बोले सिगरेट तो नहीं पीला माँ से कैसे झूठ बोल रही थी। पिछली बार आया था तब तूने 5 बोली थी, मैंने कहा धीरे धीरे 17 तक तो उन्होंने सुन लिया अलग अलग ट्रिप में, अब कहती है अब तुझे नहीं सर पे आप पैसा अपनी छोड़ लो उसके बाद आज करने में अच्छा लगता है लेकिन स्टिक हो जाओ ये लाइफ में बहुत जरूरी है। मस्ट बी स्पिरिचुअल वो भी जरूरी है, मस्ट रेस्पेक्ट पेरेंट टीचर्स एंड अदर्स बहुत जरूरी। देखिए एक वैसे तो वैसे बच्चों को देखने की बहुत जरूरी है, अगर आप मुझे 10 मिनट अलाउ करोगे 10-15 मिनट और अगर आपको लगता है नहीं तो मैं खत्म कर दी, तो ये एक है कि मैं एक यूनिवर्सिटी क्या जानते हैं उनको बीन साहब बड़े यंग एंड डाइनिंग जयपुर में ही, हर बार जब जाता था बहुत मुस्कुराते उस टाइम बड़े सुस्त बैठे थे, मनीष सर नाम ने सुना बीन साहब, मैंने कहा क्या हो गया यार आज यूर नॉट इन गुरु गुरु, बोले साहब अभी गुरु पूर्णिमा निकली है, मैंने कहा पुरानी बात है गुरु पूर्णिमा के आसपास की होगी, पूरे लास्ट ईयर 300 बच्चे आए थे इस बार एक भी नहीं आया बैठ हुई, ऐसे होते आप लेक्चर में बिजी होते सर आपको वही प्रॉब्लम से क्या है, मैंने कभी आपको कुछ नहीं कहा पर आज मुझे लग रहा है सर हम लोग परेशानी में नहीं आया, आप चलो लेक्चर में जवाब दें, बोले नहीं सर आप बिजी हो रहे कौन गया आपको लेक्चर चालू करो मैं तो दूसरे काम में बिजी हूँ, मैंने कहा तू आ तो सही बोले प्रॉब्लम ही नहीं सुनी जवाब ना से दोगे, मैंने कहा मैं समझ गया आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो और बच्चे कह रहे हैं तुम कौन मैं कौन हम आपके हैं कौन। ये लेक्चर हो रहा था मिसेज जोशी रेणु की पास में खड़ी पुराने बहुत सालों से जा रहा हूँ उनके यहाँ, ये कि यहाँ पहले रहिए जगह जगह वहाँ सब जगह ले आऊँ, बहुत घंटे हो गए हजारों बच्चों की डिग्री एक साथ देने पैरों में दर्द हो गए थे रोके से नहीं हो, अरे नहीं सर बात दूसरी है क्या ये बच्चे जा रहे हैं ना इनकी वीडियो मेरे दिमाग में, एक एक बच्चा फर्स्ट ईयर से जब आया था उसके बाद जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो मैं इमोशनल हो गई मैंने बात की सी, तो इतना ज्यादा रेस्पेक्ट टीचर्स कर रहे हैं लेकिन बच्चों में तू कौन मैं कौन हम आपके है कौन वाला व्यवहार है वो उनके उस रेस्पेक्ट को उनके अफेक्शन को नहीं समझ पा रहे, इंटरनल जो रेस्पेक्ट चाहिए नहीं दे पा रहे, बच्चों ध्यान रखो टीचर्स की रेस्पेक्ट है इतना बहुत जरूरी। जब मैं वहां गया और उनको डीन साहब को हाथ पकड़ के ले गया इनके अच्छे मित्र नाम नहीं लूंगा पब्लिक की वहां जाकर बैठे ये वीडियो दिखाया मैंने जवाब मिल गया उन्हें मिल गया, ये जब मैंने ओटीएस में आईएएस बहुत बैठे थे दिखाया 12 लोग करीब 10-12 बाहर चले गए, मैंने कहा यार ये फालतू का कैसे दिखा दिया दिखता है इनको पसंद नहीं आया, मुझे पता लगा वो रोने लगे सर कैसे तो देखिए बाहर गए और उन लोगों से इतना इमोशनल कर दिया जो स्पीकर आया हुआ है कि हम बाहर आ गए हमें बैठा दिया, इसमें ध्यान से देखिए आजकल मदर पार्लर के साथ क्या हो रहा है, हम तरक्की चाह रहे हैं बड़े बड़े पैकेज चाह रहे हैं लेकिन जिन्होंने पैदा किया उनका रेस्पेक्ट नहीं चाह रहा है, अभी एक मदर की 80 बच्चा निकला अमेरिका से लड़का आया जब प्रेस मीडिया ने पूछा पुलिस वाले ने पूछा
खबर नहीं देते थे आप इतने कभी आदमी लिया हुए मदर भी आपकी ठीक थी आप खाली अकेले पर मैं खत्म हो गई बोले जी मैं फर्स्ट टाइम टच में था बोले कब बात की लास्ट बोले एक साल पहले करी अभी तो करी थी साल भर पहले माँ जो की खुद दिन भर रात भर गिरी रहती है हर पल गिरी रहती है वहां बच्चे के चक्कर में वो बच्चा कह रहा है एक साल पहले था और फिर चाहते हैं बड़े बन जाए कभी माँ बाप का दिल दुखा के कभी बड़ा नहीं बन सकते कोई बन के दिखा दे मेरे पास आ जाए माँ बाप की रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है दो मिनट इसको देखिए मैं बहुत जल्दी चीजों को खत्म करने की कोशिश में हूँ आई एम रियली सॉरी मैं पिता पर कुछ पंक्तियां लिखी अमिताभ जी ये हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृति में कार्यक्रम है इसलिए मैं कुछ पंक्तियां पिता पर पढ़ना चाहता हूँ सुनिएगा माँ पर और पिता पर कुछ पंक्तियां आपके बीच निवेदित करता हूँ आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुझे नहीं मालूम कि किनकी माँ जीवित है और किन्होंने माँ को खो दिया पर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि जिनकी माँ जीवित है जिनके पिता जीवित है वो दुनिया के सब लाइफ में जरूरी है कि बड़ा आदमी बनने के पहले अच्छे आदमी बने जैसे अब्दुल कलाम साहब थे बहुत अच्छे अच्छे काम करके गए एक बार कोई मॉडल फेस्टिवल आया उनके PSI की साहब ये जो है गवर्नमेंट से पैसा निकाल के खाना खिला रहे मंत्रियों को बोले वैसे ही मंत्री जो खाना खाते रहते हैं और गवर्नमेंट का पैसा क्यों बोले प्रेसिडेंट हाउस में काम कर रहा है पैसा मिलता है तुमको गवर्नमेंट से बोले मेरा चेकबुक लाइए पर्सनल आज से ये प्रथा खत्म ये खाना गरीबों में बांटेंगे गरीबों को खिलाएंगे एक बार जोरदार ताली नारी हर रूप में महिला शक्ति का सम्मान करने की अगर बुद्धि की प्रार्थना आप करते हैं तो सरस्वती जी हैं अगर शक्ति की करते हैं दुर्गा है और धन की करते हैं तो लक्ष्मी आज गैंग रेप पर दुनिया भर की जो चीज हो रही है इतने यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं अपनी एनर्जी पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए स्त्रियों का महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के लिए योगदान डाली एक वीडियो देखा एक लेडी अपने हस्बैंड से कहने लगी करवा चौथ के दिन नेकलेस दिला रहे हो या नहीं बोले मेरी फाइनेंशियल दिक्कत है अभी तो नहीं ला रहा तो बोले खा लू रोटी तोड़ दू व्रत बोले थोड़ी देर तो बचिए चंद्रमा निकल देते हैं अभी सड़ जाऊंगा मैं क्यों बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने मजाक में इसको लिखा है बिल्कुल मैंने लाइफ मूड में सीरियस कैसे आपको बताई लेकिन महिलाओं का सम्मान लाइफ में आपका कॉलेज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बार जोरदार तालियां बजाएं बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं प्रोफेशनल एक्सीलेंस बहुत जल्दी मैं इसको खत्म कर रहा हूँ मस्ट हैव इन डेप्थ थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोफेशन के बारे में हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी लाइफ में बहुत जरूरी है जिसमें RTU में 16 तारीख को 2 सेशन मेरे होने जा रहे हैं यूज ऑफ नॉलेज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनकाइंड नेशन एंड ट्रूली स्पीकिंग ऑल स्टेक होल्डर्स ये बहुत जरूरी है प्रोफेशनल एक्सीलेंस के अदर पॉइंट है मस्ट हैव ए ह्यूमन फेस अब्दुल कलाम साहब दास ने जब शिलोंग का लेक्चर देने जा रहे थे 6 गाड़ियों का काफिला चल रहा था आगे गनमैन खड़ा हुआ था 3 घंटे तक खड़ा रहा पहाड़ी एरिया में वो कन्वे नहीं कर पाया बार बार कहते हैं इसको बैठा लोगों ने कहा सर यहाँ पहाड़ में वायरलेस काम नहीं कर रहा नहीं पहुंच पा रहा उस तक मैसेज बोले कोई जरूरत नहीं बोले सर आपकी सिक्योरिटी के लिए वो 4 घंटे 3 घंटे खड़ा रहा वहां पहुंचते बुलवाया उस गनमैन को बुला बोले यंग मैन आप मेरी वजह से इतने सर आप आएंगे अगली बार मैं 6 घंटे खड़ा हुआ आप इतनी बड़ी हस्ती है आपकी सिक्योरिटी जरूरी है मेरी जान को कोई खतरा नहीं है लास्ट डे की बात है कलाम साहब कहते हैं मेरी जान को खतरा नहीं है अच्छा एक बात बताओ तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की क्या खिलवाई थी पूरी टीम उनके आगे पीछे घूम रही थी कुछ जूस पिलवाओ कुछ खाना खाओगे काजू वगैरह क्या खाने बताओ नहीं सर मैं तो धन्य हो गया कि मैंने हफ्ते काफी देखो आगे मैं खड़ा होके आया हूँ मुझे तो इसमें बहुत खुशी मिली तो ह्यूमन फेस होना चाहिए इतना बड़ा वैज्ञानिक राष्ट्रपति भारत जैसे देश का वो उस गनमैन के लिए चिंतित है तो ये लाइफ में ह्यूमन फेस होना बहुत जरूरी है ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए नॉलेज काफी होनी चाहिए नॉलेज की कोई चोरी नहीं कर सकता बाकी चीजें चोरी हो सकती है इनोवेटिव होना चाहिए क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए टच ऑफ ब्यूटी जो भी काम करे अलग से दिखे अब आप कर रहे हो आपका नाम अलग ही हो रहा है ऊपर से फोटो खींच रहे हो ये बना दिया फिगर वो बना दिया रिकॉर्ड तोड़ रहे हो आप अब बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसा ही एक फोटो देखा मैंने तो अभी इंस्टीट्यूट इनको फॉलो करके कर दिया आप तो पहले कर दिया Keep larger community interest in mind. Larger community का interest ध्यान रखें खाली अपने ही पॉकेट भरने में नहीं जाए अपना मनी इज इम्पोर्टेंट लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रियां आजकल मैं भी काम कर रहा हूँ चीफ एडवाइजर
उनका गवर्नमेंट ने भी मैंडेटरी किया है कि आप कमा रहे होते कुछ पैसा समाज में वापिस लगा। बस अब दो तीन मिनट और आपके लिए ज्यादा नहीं, नेक्स्ट नहीं। मस्ट यूज आईटी, ये इसको छोड़ दीजिए आगे, ये वाला आपके उसके लिए, ये भी छोड़ दीजिए, एक बहुत अच्छा वीडियो पर आज आपका टाइम ज्यादा हो गया, मैं नहीं दिखाऊंगा और आगे चलिए, ये सब छोड़ दें, एक सेकंड और आगे देखिए, और आगे इसको छोड़, ये एक सेकंड, ये आप में से देखा है बच्चों ने, देखा है, लेकिन ये देखा तो है आई एस डी कह रहे थे देखा, मैंने कहा जरा बताओ क्या देखा, कोई होता है इसमें वर्डिंग क्या है, किसी की आवाज एक ही देखा है क्या, जल्दी से बताओ, दो तीन मिनट में फ्री हो गए आप, सरदार जी के लिए जोरदार ताली, बेटे वर्डिंग क्या है इसमें सरदार जी, वर्डिंग नहीं बेटे, ये तो उसका मॉरल है, किसी को भी सारा नहीं दिया, मोटिवेट करती रही जब तक आखिरी बच्चा ऊपर नहीं चढ़ गया, वहीं खड़ी रही, ऐसे ही हम गाइडेंस दे बच्चों को ग्रुप से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, जितनी जरूरत है उतनी गाइडेंस दे, और अगर ये सब फैकल्टी अपना स्थान समझेगी, बच्चे अपना समझेंगे, तो सब चीजें आपके लिए संभव हो जाएंगी, ऑल इज पॉसिबल, ऑल इज पॉसिबल। मैं चाहता हूँ कि आईटी बहुत आगे बढ़े, इंडिया बहुत आगे बढ़े, बहुत फॉरन में करूँ, मैंने जाके मीटिंग्स की, जो अकल मैंने देखी इंडियंस में वो जापानी लोगों ने भी देखी, मैं आप दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत किस्से हैं, कभी और बुलाएंगे तो मैं आपसे शेयर करूंगा, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सीइंग इज बिलीविंग में बताऊंगा किस तरह से वहाँ काम हो रहा है, हमारे लोग कितने तेज हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक और एक मिलकर जीरो हो रहे हैं, जबकि वहाँ एक और एक ग्यारह हो रहे हैं, टीम वर्क में काम करना सीखिए, लोगों की रेस्पेक्ट करिए, बहुत आप आगे बढ़ पाएंगे, आज आपने बुलाया और मैंने समय श्रीवास्तव जी से माफी मांगूंगा नेक्स्ट स्पीकर से।